नमस्कार सभी बच्चों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इवनिंग क्लास में। और आज 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद हम लोग मिले हैं और मैं बहुत ही अच्छा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप भी बढ़िया तरीके से होंगे। तो चलिएगा जी, स्टार्ट करें। कहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए थे, भूले तो नहीं है ना आप लोग? और उम्मीद है कि आप नहीं भूले होंगे, 3 दिन की छुट्टी थी, अब कोर्स के एंड तक इतनी लंबी छुट्टी नहीं है। तो अब चीजें लगातार ही हैं, इस वीक पूरी 6 क्लासेज हैं, अब चीजें लगातार हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बता दीजिएगा, हम कोई भी बुक ले सकते हैं भाई मेरे, हम कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो। अगर आप जिस भी शहर से, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो हमारी वाली ले लो। अगर आप दूर से रखते हैं तो कहीं भी ले लो, कोई भी बुक ले लो, है ना। चलो जी स्टार्ट करें। कहां तक के क्वेश्चन अपन कर चुके थे, 144 तक के क्वेश्चन कर चुके थे, 145वें क्वेश्चन से हमको करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं यहां से। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला और मतों का 2% अवैध घोषित हो गए। तो खुद सोचो, 104,000 का 2% अवैध हो गई तो बचे कितने, 98%। स्टार्टिंग में जितने भी वोट थे इसका 2% इनवैलिड, तो 98%। और अब इसने बोला 2% अवैध, अब इसको 55% मत मिले तो वैध मत उम्मीदवार को कितने मिले, तो ये वैध मत है, इसका 55%, 55/100। तो अगर मैं यहां से देखता हूं, 2-0 से ये 2-0 कट गई, 1-0 से 1-0 कट गई, 5 से 2 बार और 5 से 11 बार, 2 से कटेगा 49 बार, 49 की और 104 की अगर मैं गुणा करता हूं, लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि 9 लास्ट डिजिट देखो, 9 एकम 9 और 9 × 4 = 36, लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। और लास्ट में अगर 6 आ जाएगा तो भैया मेरे लास्ट में 6 तो दो जगह पर है, तो मेरे को ये पता चल गया ये दो ऑप्शन तो नहीं है अपने पास। अब बच गया ये वाला, और यहाँ 11 का मल्टीपल है, 5 और 5 10 और 6 16 16 - 6 10, ये भी नहीं है, फिक्स अपना डी ऑप्शन आंसर है, फिक्स अपना डी ऑप्शन आंसर है। कैसे, अब खुद सोचो, अगर 11 का मल्टीपल है तो नंबर सिस्टम में हम लोग सीख के आ चुके हैं कि 11 का मल्टीपल, अब देखो 5 और 5 10 10 और 6 16 16 में से 6 गया तो 10 आ जाएगा, 16 में से 6 गया तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर वो 0 नहीं आ रहा है, और अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो मतलब स्पष्ट है कि इसका मतलब आंसर आ जाएगा 56056। वैसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो मल्टीप्लाई से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग को मल्टीप्लाई के साथ साथ ये स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। आओ, अच्छा क्वेश्चन है, ऑफलाइन में किसी बच्चे ने मेरे से ये प्रॉब्लम में पूछा था, फिर मैंने क्लास नोट्स में ही अपलोड कर दिया, ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बस। अब देखो टोटल 100 में, 100 में से 70 लोगों ने मत का प्रयोग किया है, बाकी ने तो मत का प्रयोग ही नहीं किया। और चुनाव में दो ही उम्मीदवार हैं, चुनाव में दो ही उम्मीदवार हैं। यदि 400 मतों से चुनाव जीत जाता तो ए को 12.5% कम मत मिले होते, देखो यहां से पढ़ो, और 400 मतों से चुनाव जीत गया, अभी इसने बताया नहीं ए को कितने मिले हैं और बी को कितने मिले। अभी यदि ए को 12.5% कम मत मिलते, 12.5% कम, 12.5% लेस, अगर कम मत मिलते तो परिणाम बराबर हो जाता, तो परिणाम बराबर, बराबर परिणाम का मतलब समझते हैं, मतलब 35 इसको मिलते और 35 इसको मिलते। बोलो यहां तक आपको किसी भी बच्चे को डाउट हो कि परिणाम बराबर, बराबर परिणाम का मतलब होता है कोई डिफरेंस ना होना। अब लेकिन ये कंडीशन तो कब बनी होगी, 12.5% 12.5% 1/8, ये अगर 8 है तो 8 से 7, 7 का मान अगर 35 है तो 8 का भी 5 गुना। अब देखो, एक अगर पहले 8 मत मिले होते, 1 के 12.5% कम कैसे होंगे, अब ये वाली लाइन कैसे रिप्रेजेंटेशन पे आएगी, 1 के 12.5 कम कैसे होंगे, 12.5 होता है 1/8, तो अगर पहले 8 थे तो 8 से 1 कम, 7 का मान 35, 5 गुना तो 8 का 5 गुना, मतलब पहले 40 रहे होंगे, पहले अगर 40 इसको मिलेंगे, इसको 70 में से अगर इसको 40 मिल गए तो मतलब स्पष्ट हो गया कि इसको 30 मिलेंगे। यहां तक डाउट है कोई, सही है, अगर इसको 40 मिले हैं, इसको 30 मिले हैं, तो कितने से जीत गया, 10 से जीत गया, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 10 से नहीं जीता है, जीता कितने से है, 400 से, 10 का मान अगर 400 बैठा है मल्टीप्लाई बाय 40, 40 गुना पर बैठा है तो इसका भी 40 गुना, आंसर आ जाएगा 4000। 7 की वैल्यू कैसे 35 आई, आप इतना समझो, दोबारा समझो, टोटल 100 है, 10 कैसे आया, डिफरेंस ना, डिफरेंस है, अगर इसको 40 मिलते इसको 30 मिलते तो कितने से जीत गया, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है। अब दोबारा देखो, टोटल 100 है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एसएससी में आज तक नहीं आए हैं, बट मतलब क्रिएटिव थिंकिंग बनाएगा ये, मैं आपको टाइप पर चीजें भी कराता हूं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी देता हूं जिससे आपकी थिंकिंग थोड़ी क्रिएटिव बने, कि 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करने के बाद आप सोचते हो कि 1000 क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसी थिंकिंग के साथ अपन डेवलपमेंट आ जाए। तो देखो 100 में से 70, अब 70 में से क्या होगा, कुछ ए को मिलेंगे, कुछ बी को मिलेंगे, ए और बी आ गए। अब इसने बोला देखो, अब इसने लाइन पढ़ना प्रियंका आराम से, यहाँ से जहाँ मेरा कर्सर है, 400 मतों से चुनाव जीत जाता है, अभी हमको नहीं पता कितना कितना मिला, लेकिन ए को और बी को 400 मतों से जीत गया, हमें नहीं पता उसको कितना कितना मिला। अब देखो यहाँ से, यदि यदि ए को 12.5 कम मत मिलते, ए के मतों में से 12.5 कम कर दो, यदि ए को 12.5 कम मिलते, 12.5 मतलब 1/8, कहने का मतलब ए को अगर पहले 8 मिलते हैं तो यहां पर मिलेंगे अब 7, बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे जी। तो इसने बोला तो परिणाम बराबर हो जाता, परिणाम इक्वल, इक्वल परिणाम कब होगा, जब 70 वोट में से 35 इसके पास हो, और 35 इसके पास, 70 वोट में से 35 इसके पास हो, 35 इसके पास हो, 35 की जगह 35, समझ गए, अब ये तो कम था ना, 7 का मान 35 कितने गुना, 5 गुना, तो 8 का 5 गुना 40, ये 40 तो ये 30,
और ये 40 और ये 30, तो भैया मेरे अंतर कितने का? अंतर भैया मेरे 10 का। अब 10 का मान कितना है? 400। कितने गुना पर बैठा है? 40 गुना। समझ आई बात सभी बच्चों को? वेरी नाइस। आओ जी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मैं एक्स मानता हूं। एक्स में से 10,000 ने मत का प्रयोग नहीं किया और 75% मत वैध घोषित हो गई। अब इतने लोगों ने मत का प्रयोग किया, इसका 75% मतलब 3/4, ठीक है। और दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का 2250 मत प्राप्त हुए। अब देखो, इसमें सक्सेसिव तो नहीं लगेगा, मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर हो गया हूं कि सक्सेसिव तो नहीं लगेगा यहां पर। क्लियर होगी बात कि दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों के 18% मत प्राप्त हुए। एक बारी के लिए इस क्वेश्चन को एक बारी के लिए पेंडिंग में डाल के चलते हैं, एक बारी के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी और समझ देनी पड़ेगी, मुझे लगा सक्सेसिव का पैटर्न है। नहीं, हां, वेरी गुड राजवीर। आओ, एक चुनाव ए में एक्स और वाई, एक्स एक चुनाव में ए, राज्य एक्स और वाई में कुल वोटों का 52% से जीता, उन्होंने एक्स में 61% वोट जीते, राज्य एक्स में और वाई में, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है 3:1, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 3:1, कि एक्स में अगर 3 वोट डलेंगे तो वाई में 1 वोट डलेगा। ए में एक्स के अंदर 61% वोट जीते, ओवरऑल के अंदर 52% वोट जीते, तो आपको बताना है अगर फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी रहेगी तो एक वैल्यू छोटी भी रहेगी। 8 और 1 9 आ गया, बड़े में से छोटे को घटा दो, और 1 का मान अगर 9 है तो 3 का मान 27 हो जाएगा, और 52 में से अगर 27 हो जाएगा तो अब मुझे पता है कि इधर संख्या छोटी आनी चाहिए और इधर संख्या छोटी आनी चाहिए, तो 52 में से 27 मतलब 52 में से 27 जाएगा तो कितना बन जाएगा 25। तो बाई एलिगेशन रूल, जिस बच्चे को अभी थोड़ा एलिगेशन का नहीं पता उसके लिए थोड़ी सी समस्या रही होगी, तो ये बाई एलिगेशन रूल आप बड़ा आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं, बाई एलिगेशन रूल, ठीक है। देखने में क्वेश्चन ऐसा मुश्किल लग रहा था, अब मैंने आपको वोटिंग की इतनी बढ़िया बढ़िया इतने बढ़िया बढ़िया पैटर्न करा दिए हैं एक बारी शुरू से लेकर लास्ट तक। सर ये समझ नहीं आया एलिगेशन क्या होता है, जो बच्चों को अभी समझ नहीं आया आप इसको इस क्वेश्चन को एक बार जाने देना, जब एलिगेशन कराएंगे तब आपको समझाएंगे एलिगेशन के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख देना, जिस बच्चों को एलिगेशन का पता है कि एलिगेशन नियम, ठीक है, क्योंकि अभी जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज पता क्या होती है 100% हमको कवर करने के लिए थोड़े और मेथड्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। 147 वाला, 147 वाले को मैं देखता हूं एक बार। सुनील का कहना है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो यार रेशियो का क्वेश्चन है सुनील, देखो एबीसी अपने वेतन का कर्मचारी 8%, 7%, 9% किसी धर्म ट्रस्ट को दान करते हैं, ए और बी का वेतन समान है, उनके बीच में दान का अंतर 200 रुपए, 1185 का। ओहो, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी करवाया है, आप कहां बैठे रहते हैं ये क्वेश्चन तो मैंने अच्छा आपने ली नहीं होगी, स्पेशल क्लास के अंदर करवाया है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, पार्टनरशिप में करवाया है ये, देखिएगा मैंने 2020 वाले क्वेश्चन तो करवाए थे। एबीसी के वेतन में 8%, 7%, अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 8% देगा, ये 7% देगा, ये 9% देगा, और उनके दान का अंतर अगर इसकी वैल्यू जितनी है, ये अगर एक्स रुपए लगाएगा तो उतने रुपए ये भी लगाएगा एक्स, तो इनका अंतर कितने रुपए है? 1 रुपया। 1 का मान कितना है? 259। भाई एक बात बताओ, इसने अगर 100 रुपए लगाए, खुद सोचना, और इसने भी 100 रुपए लगाए, तो ये 8 रुपए दान कर देगा, 7 रुपए दान कर देगा, दोनों को बराबर लगाना है, तो इन दोनों के दान में अंतर कितने का आएगा? 1 का। आप बोलेंगे जी गुरु, 1 का वैल्यू 259, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा? 25,900। यहां तक आपको बात सभी को समझ आ गई, 25,900 मेरा, 25,900 इसकी इनकम आ गई, 25,900 इसकी इनकम आ गई। अब इसने बोला ए और बी का कुल दान, अब यहां तक पहुंच गया, अपन ने यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो, यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो, ठीक है। अब ये कह रहा है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में इतना अधिक था, ए और बी का टोटल दान निकाल दो, ए और बी का टोटल दान निकाल दो, तो 25,900 का 8% निकालना है, 25,900 का 7% निकालना है, 100% तो ए की वैल्यू, ए का भी 25,900 है, बी का भी 25,900 है, तो मैं 25,900 की अगर मैं दो बार गुणा करूं, 2×18 बचेगा, 1,250, 518 आ गया, और अगर 518 ये ए और बी के टोटल वोट आ गए ना, चलो एक मिनट रुको, अगर 518 में दिक्कत आ रही है, छोटे 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 दिक्कत आने नहीं देंगे, एक को 8% वोट मिलेगा और इसको 7%, तो एक के टोटल वोट कितने, 25,900 का 8% निकाल दो, प्रतिशत 2 0 को खा गया, 8×72 बचेगा 7×48 47 बचेगा 4×16 24 2,072 वोट इसको मिल गई, और बी को कितने मिलेंगे, 25,900 का 7% निकाल दो, 7×63 बचेगा 6×35 41 बचेगा 4×7 14 4×18। अब यहां इनको मैं इकट्ठा ही कर रहा था, चलो मैंने अलग अलग भी कर लिया, तो अब तो वैल्यू आई गई मेरी, अब इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहां लिख लेता हूं, 3×2 5 7×1 8 दिखाई नहीं देगा, रेडी दिखाई देगा, 3×2 5 7×1 8 डबल आवाज और किसी को भी आ रही है, आप रिफ्रेश करो बेटा, डबल आवाज मेरी तरफ से तो नहीं आ रही शायद, आप रिफ्रेश कर लो, डबल आवाज नहीं आएगी, 7×8 और 18 3885 रुपया मिलेगा। अब इन दोनों ने 3885 रुपया दान कर दिया, 3885। आप बोलेंगे जी गुरु, लेकिन ए और बी का कुल दान सी की तुलना में इतना दिखता, तो सी का हटा दो 1185, सी का अगर 1185 हटा दिया तो 2 0 2 0 8 में से 1 गया तो 7
और तीन में ये 2700 बच गया, इसका मतलब सी 2700 रुपए दान करेगा और सी 2700 दान करेगा। और अगर सी अगर 2700 दान करेगा तो खुद सोचो सी कितना परसेंट दान करता है, 9%। सी अगर 9% दान करता है अगर ये 9% दान करता है तो 9 का मान 2700, तो 1 का मान 300, भाई 9 का मान 2700 तो 1 का मान 300 और 100 का मान, तो यहां से मैंने देख लिया 30,000 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 30,000, तो 30,000 आ गया। तो अब इसने बोला ए और सी का कुल दान, ए बी सी के कुल वेतन का, तो सी का 2700 है और ये ए का है 2072, तो 2072 इसमें जोड़ दूंगा। तो आप खुद सोचो 2072 और 2700 अगर मैंने टोटल जोड़ा तो 2, 7 और 1, 8, ये 7 और 4, 4782 रुपए आ गया। 4782 रुपए एबीसी के कुल वेतन का, और एबीसी का कुल वेतन कितना है, 5180 तो ये रहा और 30,000 ये रहा, तो 0081 और 8 81,800 और 81,800 है, ये 4782 है, तो यहाँ से निकाल दो 4782, अरे 4772 आएगा क्या, हाँ 4772 आएगा भैया, 4772 आएगा भाई, तो 4772 आ गया। 4772 डिवाइडेड भाई कितना आ गया, 81,800 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब 800 है। आपको खुद बताया अगर मैं 6 बार करता हूँ 846 तो जाएगा, 6 बार तो नहीं है जी, अगर मैं इसका 5 बार करूंगा तो 8,5, 4,000, 18,590, तो 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग में कितना आ गया है, 5.8 हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैंने भी स्पेशल क्लासेस के अंदर करवाया भी था और अभी फिर आपको करवा दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन निकाल देखा क्वेश्चन आता ही भैया मेरे लेंथी, तो ऐसे क्वेश्चन हमको आ रहे हैं वही बड़ी बात है, नहीं अब बाद में करना सुनील, अब ऐसे नहीं कि सभी बच्चों को साथ में देखो, जो चीज अपन पढ़ने पहले उसको पढ़ना जरूरी। अब आइएगा टाइप नंबर 10 पर, तो आपने भेज दिया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा यही है आंसर, डाउट कौन सा है बताओ मुझे, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4th, अब सुनील को पीटो सभी मिलकर, ये 4th क्वेश्चन कह रहा है भाई, अब सभी बच्चे बताएंगे सुनील की पिटाई करनी चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, बताओ छोड़ देना चाहिए, कैसे छोड़ देना चाहिए भैया, ये सेम क्वेश्चन क्लासरूम में ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन, सुनील को मुर्गा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ऑलरेडी डन, ऑनलाइन पिटाई देखिए, देखिए नहीं है कभी दिखाऊंगा लेकिन आज नहीं दिखाएंगे, आज काफी दिन बाद आए तो पढ़ाने का मुद्दा है, ऑलरेडी डन है भाई, ये तो क्वेश्चन करवा दिया आपने क्लास नोट्स का, मुझे लगता है 145 से बात शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है शायद 144 या 142 नंबर क्वेश्चन होगा, वो कितना पहले ही था बस वो तो। चलो आज वैलेंटाइन डे है इसके लिए छोड़ देना चाहिए, चलो छोड़ दिया है, अब आ जाओ जी नेक्स्ट वेन डायग्राम, ध्यान से सुनना बात, एक ये है वेन डायग्राम बेस्ड, अच्छी टाइप है, शानदार टाइप, एक परीक्षा में 34% गणित में पास होते हैं और 42% अंग्रेजी में फेल, सॉरी और 20% दोनों में फेल, तो क्वेश्चन हमेशा दोनों से शुरू होगा, मैंने ऐसा माना, मैंने ऐसा माना कि ये वो स्टूडेंट है जो मैथ में फेल है, ये वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में फेल है और ये कॉमन सर्कल है, ये वो स्टूडेंट है जो दोनों में फेल है, नहीं नजर आना पहले कंसेप्ट सुनो बेटा, ये मुझे भी पता आपको आता है, पहले पूरा कंसेप्ट सुनो। तो अब इसका क्या कहना है कि सबसे पहले कॉमन से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले इस वाले हिस्से को भर लो 20। अब मुझे पता है कि अकेला जो ये मैथ सर्कल है, ये वाला जो मैथ सर्कल है अकेला, मैथ के अंदर टोटल कितने, उसने बोला सर मैथ के अंदर जो टोटल है ना वो 34 है, 34, तो मैथ अगर 34 है तो अगर 20 ये रहा तो मतलब इस पूरे सर्कल में 34 करने के लिए 14 रहेगा कि नहीं रहेगा, ये 14 रहेगा। और इंग्लिश के अंदर 42 है, अगर इंग्लिश में 42 है, इंग्लिश में अगर 42 है तो मुझे इस बात का पता है कि इंग्लिश में अगर 42 है तो यहां से अगर मैं बात करता हूं ये 20 इधर आ गया तो ये 22 इधर आ जाएगा, तो 20 और 20 40 और 10 50 और 54 और 56, तो ओवरऑल अगर मैंने इनमें देखा तो 56% लोग तो फेल ही है, 56% लोग तो फेल है, ये सारा फेल वाला केस है फेल, लेकिन उसने अंत में आके अपना रंग बदल दिया, फेल पूछ ही नहीं रहा, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दोनों में पास बताओ, तो टोटल वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% में से 56 अगर फेल हो गए तो भैया मेरे पास कितने रहे होंगे, 44%, तो आंसर इज 44%, दिस इज द करेक्ट। अब देखो हमको कैसे करना है, आपने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन मतलब इकट्ठे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सेट में, तो वैसे भी कर सकते हैं अपन। अगर मैं आपको बताऊं, आपको कुछ जगह पर ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, बहुत फास्ट अप्रोच से काम करेगा, और कुछ जगह पर ये बहुत फास्ट अप्रोच से, अपने पास दोनों तरीके होने चाहिए, कैसे, वैसे तो अगर लिख के चलते हैं तो जैसे 34 ये रहा 42 ये रहा और माइनस में 20, तो ओवरऑल जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा 56, तो 100 में से अगर 56 चला गया ये तो फैला गया ना, 100 में से अगर 56 चला गया तो पास कितने बचेंगे, 44 बचेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44% is our correct approach, 44% is our correct approach। अब मेरा क्या कहना है, सुनना बात, आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग से कैसे करना है ये क्वेश्चन, आपको ये मानना है कि अगर मैं सारे मैथ वाले गिनूंगा तो 34 हो जाता है, 34 आप बोलेंगे जी गुरु, और अगर मैं वापस इंग्लिश वाले गिनूंगा तो ये 42 हो जाएगा, आप बोलेंगे जी गुरु, लेकिन जो वो उधर वाला 20 था वो मैथ के साथ भी आ गया और वो इंग्लिश के साथ भी आ गया, तो कॉमन संख्या ये आ गया 76, तो कॉमन संख्या दो बार आ गई तो उसको घटा दो, अंडरस्टैंडिंग के साथ ये 56 आ जाएगा,
अगर ये 56 आ गया तो मतलब क्लियर कहानी हो गई, अगर ये 56 आ गया तो मतलब कहानी क्लियर है कि 100 में से 56 अगर फेल है तो 44 पास रहे होंगे। मेरे साथ साथ सोचना है सभी बच्चों को, दोनों मेथड से सुनना है। पहला मैं जनरल मेथड बता रहा हूं, वेन डायग्राम मेथड। देखो अभी तक तो सेम चीज दे रखी थी यहां पर, कैसे सर? देखो 34% और 42% फेल ही दे रखा था और दोनों में भी फेल ही दे रखा था, एक जैसे रंग में रंगा हुआ था पूरा क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करता हूं, ये 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, ये 65% हिंदी बोल सकते हैं और ये 27% कोई भाषा नहीं बोल सकते। ये नहीं वाले हैं, ना वाले ना। तो आपको सबसे पहले ना में कन्वर्ट करो, 70 बोल सकते हैं तो 30 नहीं बोल सकते, 65 बोल सकते हैं तो 35 नहीं बोल सकते। ना वाले आ गए क्या? ना वाले आ गए, ये 30, ये 35, ये 27। बोलो भैया ये 30, ये 35, ये 27। और अगर ये ना वाले आ गए अब अगर मैं यहां पे देखूं कि सबसे पहले नहीं वाले तो ये 27 तो है ही है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, 27 तो है, टोटल कितना है 3, 30 हो जाएगा और ये कितना है 8, 27 और 3 30 और 8 38, तो इसका मतलब फेल होने वाले आ गए 38। और फेल होने वाले अगर 38 आ गए लेकिन टोटल मेरी वैल्यू है 100, 100 में से अगर 38 फेल है तो भैया मेरे पास होने वाले कितने हैं 62। अब मैं जो समझा रहा हूं पहला तरीका, अरे हेलो गुप्ता, आप बेटा एक बार मेरे को फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट हैंड रेज करो, उसके बाद की कहानी सारी। तो भाई मेरे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और दोनों वाले नहीं वाले दे रखे हैं तो आपको पहले इसको नहीं में कन्वर्ट करना, 70 बोल सकते हैं, वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 70 बोल देंगे तो नहीं कितना आ गया 30 जी, 30 यही बस नहीं आ रहा सर, ये 100 में से माइनस करना, 65 100 में से 65 तो 35, समझ में आ गई पहली बात जी, जी ठीक। अब अगर ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया, ये 30 ये 35 यहां से शुरू करो तो यहां 3 बचेगा, यहां से ये तो 8 बचेगा, सारा कुछ कह के ये आ गया। अब जो मेरा कहना है उस बात को ध्यान से सुनना, इंग्लिश में 70 बोल सकते हैं, बोला हां सर, हिंदी में 65 बोल सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर, इस हिसाब से कितने बोल सकते हैं 135, इस हिसाब से कितने बोल सकते हैं 135, बोलो हां या ना, 135। लेकिन इसने बोला कि 27 तो बोल ही नहीं सकते, आपने 135 बोलवा कैसे दिए भाई, 27 तो बोल ही नहीं सकते, अगर आप बोलने वालों में ले रहे तो उसने खुद लिख दिया कि 27 तो बोल ही नहीं सकते, 27 नहीं बोल सकते तो कितना बच गया 30 है, तो 73 बच गया बोलने वाले, इस हिसाब से 73 बच गया बोलने वाले। तो भैया मेरे 73 से 135 होना, 73 से 135 होना, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो 73 ही है बोलने वाले, बोलने वाले 73 ही है। अब एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा होगा, एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा होगा हमेशा किसकी वजह से आएगा, कॉमन की वजह से। एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा होगा हमेशा किसकी वजह से आएगा, कॉमन की वजह से आएगा। तो मैंने देखा 5 में से 3 गया 2, ये कितना ज्यादा है, और 13 में से 7 गया 6, तो जितना ज्यादा है वो कॉमन है, तो इसका मतलब 62% लोग बोल सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा आता है वही मेरा डायरेक्ट कॉमन होता है, एक्चुअल मतलब ये वाली। अभी नहीं तो पूछा है कि कितने प्रतिशत है, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, वो कॉमन कॉमन तो पूछा है, दोनों भाषा बोलने वाला, तो एक्चुअल वैल्यू से जितने जाना है। 4-5 क्वेश्चन करवाता हूं तब कहानी समझ में आएगी। पहले मेरे तरीके से सुनना बात को, अपने आप कोई बच्चा आंसर नहीं निकालेगा, पहले कंप्लीट मेरे से सुनना। 90% अंग्रेजी में, 85% सफल होते हैं, सफल हो गए तो अंग्रेजी में पास हुए, गणित में पास हुए, इस हिसाब से पास होने वाले हो गए 175। अब यहां से यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, कोई छात्र फेल हुआ ही नहीं, कोई छात्र फेल हुआ ही नहीं, तो मतलब बिल्कुल क्लियर है अगर कोई फेल ही नहीं है तो 100 के 100% लोग तो पास हैं भाई, 100 के 100% लोग तो पास है, कोई एक में पास है, दोनों पास है, 100 के 100% ही तो हैं। अरे हाँ या ना, अरे सर हाँ, तो एक्चुअल वैल्यू अब 100 रहेगी, अब 100 से कितना ज्यादा है 75%, अब परसेंटेज में तो ये 75 है और 75 का मान कितना है 150, 75 का मान है 150 कितने गुना पर बैठा है 2 गुना पर, और 75 का मान अगर 150 है 2 गुना पर बैठा है तो 100 का भी 2 गुना, और 100 का भी 2 गुना, तो भैया मेरे छात्रों की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। भाई मेरे राकेश एक बात बताओ, कहीं पर भी फेल वाली बात है क्या? अब देखो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से करने में पसीने छूट जाएंगे, वेन डायग्राम से करने में पसीने छूट जाएंगे। आप मुझे ये बताओ, चलो इसी क्वेश्चन में समझाते हैं कि 90 और 85, पहले 90% अंग्रेजी में और 85% गणित में पास हुए, इस हिसाब से पास होने वालों की संख्या आगे 175%। हमारे तो तभी शक हुआ कि यही 100% ऊपर कैसे हो सकते हैं भैया पास, ज्यादा से ज्यादा लोग कितने पास हो जाएंगे 100%। अभी इसने लाइन लिख के भी दिया, अपनी तरफ से सोचा नहीं, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ, अगर कोई दोनों में फेल ही नहीं है, अगर कोई दोनों में फेल ही नहीं है, दैट मींस 100% पास है, और अगर 100% अगर पास है, 100% अगर पास है तो बोलो, अगर ये 100% पास है तो मतलब ये हुआ कि उसने पास बैठा रखा था 175, उसका पास पता क्यों हुआ? वो मिडिल वाला इधर वाले सर्कल में भी कैलकुलेट हो गया, और वो इधर वाले सर्कल में भी कैलकुलेट हो गया, वो इधर वाले सर्कल में भी कैलकुलेट हो गया, और वो इधर वाले सर्कल में भी कैलकुलेट हो गया, तो मतलब 75 का 2 गुना 150, और तो 2 गुना आ गया, तो ये आ जाएगा। बोलो राकेश, अगर बात क्लियर हुई क्या? नहीं हां ना, नहीं तो हैंड रेज फटाफट से, हो गई होगी बात क्लियर, आओ मेरे साथ साथ। अब इसने बोला कि फिर मेरे वाले तरीके से फिर चलना, 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, तो टोटल आ गया 150%।
लेकिन 10% फेल है, 100 में से 10 फेल है, तो एक्चुअली में पास होने वाले कितने हैं? 90 ही तो हैं। इसने स्पष्ट बोल ही दिया जब है कि 10% दोनों विषयों में, जब दोनों दो ही विषय थे दोनों में फेल हुए, जब विषय दो ही थे और दोनों में फेल हुए तो मतलब स्पष्ट हो गया उनकी तो कहानी क्लियर है भैया, वो तो वैलेंटाइन मना रहे थे। तो 90 से 150 होना तो कितना बढ़ गया? 60%। 60 का मान कितना है? 144। 1 का मान 144/60 और 100 का मान 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 3 × 12 और 3×8=24 और 48×5 बोलो जी, बात अगर आपको क्लियर है तो। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। आज आप सेट हो? नहीं आज मैं सेट नहीं हूं, मैं 3 दिन से 2-2 घंटे 2.5 घंटे ही सो पा रहा हूं, तो आज मेरी लाभ की लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं जी भर के सोऊंगा पहले, उसके बाद मैं इसलिए ये है बस। देखो जी तभी तो आपकी क्लास की छुट्टी थी, आपको क्या लगा कि मैं ऐसे ही मतलब छुट्टी कर दिया, मुझे कहीं जाना था, बहुत वर्कलोड था। मैंने बोला ना कि कंपनी चलाना, जब कंपनी को बड़ा करना होता है तो बहुत सारा वर्कलोड लेना पड़ता है, उसको रात दिन काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी कंपनी का वर्कआउट मेरा चल रहा है, तो कंपनी बना बड़ी करने के लिए उसके ऊपर उसी के ऊपर उसी के सिलसिले में इधर उधर इधर उधर। इसीलिए देखिएगा जी आपको तो 100% ही पढ़ाएंगे, हमेशा पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आपको इंस्ट्रक्टर बनाएंगे भाई, फिर आपसे आपके हाथ की मिठाई खाएंगे जब मैं खड़े होकर, है ना, फिर आप मिठाई लेकर आना। बस देखो जब ध्यान से, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में पास हुए, खुद सोचो 60% अंग्रेजी में 70% गणित में, तो ओवरऑल टोटल कितना परसेंट आ जाएगा? 130%। लेकिन इसने बोला तो पास होने की संख्या होगी, मेरे को तो सब पहले ही होगा, 100% से ज्यादा पास कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन 20% दोनों में फेल, भाई दोनों के दोनों में फेल रहे, 100 में से 20 दोनों में फेल, और 100 में से 20 अगर दोनों में फेल तो बचे कितने? 130। एक्चुअल में तो 80 ही आना चाहिए था, लेकिन 80 से 130 कितना ज्यादा? 50 की वैल्यू है 2500, 50 गुना पर बैठे हैं, तो 100 का भी 50 गुना 5000। टोटल वैल्यू निकालना तो बेहद आसान है इस तरीके से, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ भी पूछ लिया ना, टोटल के अलावा, अगर कुल छात्रों के अलावा कुछ भी पूछ लिया तो फिर भाई मेरे आपको वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सर आप क्वेश्चन पूरा फिल कराते हो तभी तो कहते हैं ना कि यही तो अदाएं हैं जिन पर दुनिया फिदा है। नहीं तो भाई मेरे, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं कि बस हो गया जी टॉपिक, मैं हमेशा बोलता हूं कि टॉपिक में हो सकता है टाइम मेरे को 9 की बजे 12 क्लास लग जाए, लेकिन होने के बाद ऐसा हो जाएगा सदा सदा के लिए चीजें मजे हो जाएंगे। और ये तो मैं आपको ऑनलाइन बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो फील करो, जब बच्चा मेरे सामने ऑफलाइन बैठता है उसके सामने किताब रखी रहती है, उसको तो ऐसा लगता है कि भैया मूवी चल रही है, क्योंकि अब यहां पे तो कलाकारी दिखा नहीं पाते ना, नाच नहीं पाते हैं ना, लेकिन वहां तो कलाकारी दिखाते हैं, एक एक चीज को दिखाते हैं, है ना। देखिएगा जी नेक्स्ट, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि केवल एक परीक्षा में फेल होने वाला कुछ भी, तो यहाँ पर मेरे को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ कैसे, सुनो 60% अंग्रेजी में पास, 70% इंग्लिश में पास है, 60% ध्यान से सुनना बात, मैथ में पास है 70% और दोनों के अंदर फेल है 20%। तो ये फेल का कहानी है, सारे रंग में रंग लो, सारे रंग में रंग लो, 60 गया तो बचा कितना? 40। अगर 70 गया तो बचा कितना? 30। ये 40 है, ये 30 है, तो मैं अब ये कह सकता हूं ये इंग्लिश है, ये मैथ है, कॉमन 20 तो आ गया, इंग्लिश 40 था तो 20 ये भी रह गया, और मैथ 30 था तो 10 ये रह गया, 20 20 और 10। अब अगर मैं ये बोलूं ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, ये फेल वाला केस है सारे का सारा, क्योंकि कॉमन फेल में था, सभी को एक रंग में रंगना है, सभी को एक रंग में रंगना है। तो अब इसने बोला, अब आप खुद बताओ केवल एक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या केवल एक में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो ये वाले बच्चे हैं, ये वाले, क्योंकि इसके अंदर चले गए तो दोनों वाले फेल हैं, सिर्फ ये वाले बच्चे, सिर्फ इस सेक्शन के बच्चे और इस सेक्शन के बच्चे, ये दोनों सेक्शन के बच्चे क्या एक में फेल है क्या? आप बोलेंगे ग्रुप बिल्कुल है, इस चीज में तो कोई दोराई ही नहीं है, ये एक में फेल है सिर्फ इंग्लिश में, अगर दोनों में फेल होते तो वो इधर आते, सिर्फ एक में फेल है और ये भी एक में फेल है, तो टोटल स्टूडेंट मेरा 5000 था, 5000 का कितना परसेंट फेल है? 30% फेल है, प्रतिशत 20 को खा जाएगा, बोलो क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, केवल गणित में पास होने वाले, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, उसको चाहिए है पास, और अपने पास डायग्राम है फेल का, केवल गणित में पास, तो इसका मतलब जो केवल इंग्लिश में फेल रहा होगा, गणित में तो पास हो गया, गणित में तो पास हो गया, दोनों में पास नहीं, दोनों में पास नहीं, इसने स्पष्ट लिखा है, केवल वर्ड लिखा है, केवल, केवल गणित में पास, गणित में तो पास हो गया केवल, तो सिर्फ इंग्लिश में तो फेल रहा होगा। मैं सर फेल फेल के बारे में बार बार बात कर रहा हूं भैया, मेरे क्योंकि डायग्राम मेरे पास फेल का बना हुआ है, डायग्राम मेरे पास फेल का बना, इसलिए मैं बार बार उसको फेल की तरफ धकेल के लिए आ रहा हूं। तो इसने बोला गणित में पास, अगर पास गणित में है तो इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल कौन है? ये 20, इंग्लिश में फेल तो है, बोलो हां, तो टोटल स्टूडेंट है 5000, 5000, तो 5000 का 20% और 5000 का 20% परसेंट 20 को खा जाएगा, 50 200,
टोटल 50 होना चाहिए, 50 क्यों होना चाहिए टोटल? तो टोटल थोड़ी पूछा है, केवल एक परीक्षा में पूछा भाई राम खिलाड़ी, उसने टोटल फेल थोड़ी पूछा, सिर्फ एक परीक्षा में। जो ये बीच वाले है, ये वाले जो भैया मेरे, जो ये रेड वाले हैं गुरु, ये वाले, ये तो दोनों में फेल है यार, दोनों में फेल पूछे ही नहीं। उसने पूछा ही क्या है, उसने पूछा ही सिर्फ एक में फेल है। सर बोलो बेटा, बोलो सर। 20+20+10 यही तो है अभी हमारे पास टोटल, तो इन्हीं में से तो इन्हीं के तो हमारे पास 30% निकालने हैं। नहीं नहीं नहीं, फेल तो हमेशा टोटल स्टूडेंट का निकलेगा बेटा। तो अभी तो हमारे पास टोटल यही तो है। अरे टोटल नंबर है बेटा, टोटल नंबर, ये तो प्रतिशत है अपना, हमेशा टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका परसेंटेज है। तो टोटल नंबर तो अपना 5000 है ना, कि इस क्वेश्चन में, मतलब परीक्षा में बैठे बच्चे कितने थे, 5000। इसी के भी आपने क्वेश्चन आगे बढ़ाया कि केवल एक परीक्षा में, वो परीक्षा में तो बैठे तो 5000 है। हाँ, 5000 का अब उसने बोला जी फेल होने वाले, तो एक में फेल होने वाले। या तो ये देखो जो वाला रोटेट है, ये वाला और ये वाला, 10 और 20, ये 30, दोनों 30% फेल हो गए, तो 5000 का 30% निकाल दिया। ठीक है सर। आओ जी, पहले तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताओ सारे के सारे बच्चे। अब अगर किसी ने गलती की तो उसको गिरा गिरा के धोएंगे, अब उसको गिरा गिरा के धोएंगे। अब जो जो गलती करता है अपना नाम लिखता रहेगा कि हाँ सर मेरे से गलती हो गई। गलती उसी से होगी जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं, जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। सिर्फ इन बच्चों का सही है, इसके अलावा सारे ही बच्चों का गलत है। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। देखो जी, 67% अंग्रेजी में पास है, 53% गणित में पास है, तो 67 और 53 इस हिसाब से पास है 120। लेकिन इसने बोला 15% तो दोनों में फेल है ना, तो 15% तो दोनों में फेल है, तो कितना बच गया, 85। एक्चुअल संख्या जो पास की थी, पहला तो मेरा माथा यहीं पे ठनक गया था कि 120% पास हो कैसे सकते हैं, वैल्यू मैक्सिमम 100% ही तो पास हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसे उसकी कंफर्मेशन मांग रहा था कि अब उसने बोला भैया 15 तो फेल है, श्योर मैंने बता दिया 15 तो फेल है, तो इसका मतलब इससे कितना ज्यादा है, 15 और 20 35, 35% का मान दे रखा है 70, कितने गुना पर है, 2 गुना, 100% का 2 गुना। अब जिस भी बच्चे ने गलती की थी वो देख लो भैया कहां गलती की थी। टोटल निकालते वक्त तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, कि जो एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा होगा वो हमेशा कॉमन की वजह से होगा। अब देखो अगर इसके अलावा, अभी प्रियंका को डाउट है, पहले इसका डाउट लेते हैं इस बच्चे का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेलो, हां बोलो बेटा। सर डाउट नहीं है, हमें कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है इसलिए आंसर नहीं दे पाए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो लेकिन ये तो आसान सी कैलकुलेशन थी, इसको तो कैलकुलेशन किया करो, आसान सी कैलकुलेशन थी, जैसे आप स्टील को इधर भी देते 70 50 120, ये तो आसान थी, तो 85 85 तो 100 तक पहुंचा दो, 15 और 20 35 ऐसे पहुंचा दिया, फटाफट बीच में जीरो लेकर फटाफट पहुंचाते रहा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपने पोल किया, मैं कॉपी में हल कर रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपने पोल भी दिया है। अच्छा 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 कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक ओके ओके सर। देखिएगा, अच्छा अब बताना है सभी को, मैं यहां लिख देता हूं, इंग्लिश 67 है, गणित 53 है, इंग्लिश 67, मैथ 53 और 15% दोनों में फेल, बताओ शाबाश। डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक रंग में रंगना पड़ेगा, क्योंकि ये फेल वाले हैं, पहले एक रंग में रंगो, 33 47। अब देखो ये 15 है, ये 18 है, ये 32 है, 32 और 18 50। अब इसने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में पास है, ओनली वन, ओनली, अगर एक में पास है तो भैया मेरे 100, आपको ये डायग्राम मिला हुआ फेल वाला, तो वो पूछेगा, वो बोलेगा पास, आपको ढूंढना है फेल। अगर सिर्फ एक में, ओनली वर्ड ने मेरे को ये क्लियर कर दिया, सिर्फ एक में ही पास है, सिर्फ एक में पास है, तो इसका मतलब एक में फेल रहे होंगे, और एक में फेल रहे होंगे तो 32 18 50, तो 200 का 50%, परसेंट 2 जीरो को खा जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, परसेंट 2 जीरो को खा जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। पास इन इंग्लिश ओनली, वो पूछ रहा है पास, डायग्राम है फेल का, सिर्फ अंग्रेजी में, सिर्फ अंग्रेजी में पास है, या तो दोनों में पास होता, बोला नहीं सिर्फ ओनली वर्ड लगा रहा हूँ, सिर्फ अंग्रेजी में पास, तो इसका मतलब मैथ में फेल रहा होगा। अगर मैथ में फेल रहा होगा तो मैथ में जो फेल रहा हो वही तो निकालना अपने को, ये रहा तो 200 का 32%।
पास इन मैथ ओनली, ये पास पूछ रहा है यार, ओनली वर्ड लगाया तो इसका मतलब आपके पास डायग्राम फेल वाला था, तो ये ऑटोमेटिक ये पूछेगा इंग्लिश फेल कितने, ये ऑटोमेटिक हमसे ये पूछेगा इंग्लिश फेल कितना है, तो 200 का कितना परसेंट, 200 का 18% निकलेगा ना, चलो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका जवाब देना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से 1.5 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम, आराम से क्वेश्चन का जवाब देना सभी के सभी बच्चे मिलकर, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए इस बार, बहुत सारे बच्चों का गलत है, बहुत बढ़िया भाई, जो बच्चे सबसे लास्ट, जो बच्चे मतलब इतना बढ़िया तरीके से इन बच्चों ने जवाब दिया, इन दोनों बच्चियों ने, जे ने, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, बात को सुनना और समझने का प्रयास करना, एक परीक्षा में 75% के स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी में, 37.5% है जो गणित में, 75 और 37.5 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 112 सही 1/2 हो गया, लेकिन इसने बोला भैया मेरे 12.5 तो फैली है, 100 में से अगर जो ये 12.5 गया तो बचा कितना, 87.5 तो ये वैल्यू बच कितनी, 87.5 में से अगर 112 जाएगा तो 25 ही तो आएगा, 25 का मान कितना है, एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा रहेगा वो कॉमन की वजह से तो आएगा, 25 का मान कितना है, 444, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% है, कितने गुना पर बैठा है, 4 गुना, तो 444 का भी 4 गुना, 4 चौका 16 बचेगा, 1 16 और 17, 4 चौका 16 और 17, तो आंसर आ जाएगा 1776, इट्स आवर बेस्ट एंड करेक्ट अप्रोच, 1776, इसके अलावा जिस भी बच्चे का जो भी क्वेश्चन था, जो भी डाउट था, वो सारे गड़बड़ थे, गड़बड़, परसेंटेज सोल्व नहीं करना भैया, परसेंटेज सोल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़, खतरनाक गड़बड़, परसेंटेज की पीडीएफ चाहिए, परसेंटेज की पीडीएफ देंगे, पहले इस क्वेश्चन को करो आराम से, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, करना है, समझना है, जो भी क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं सबको आराम से करना है, समझना है, करिए शाबाश, परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 37.5% लड़कियां हैं, 65% लड़कियां, 70% लड़के उत्तीर्ण करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 37.5% है ना वो 3/8 है, और 62% होता है ना ये 5/8 है, तो मैं मानता हूं ये 8 यहां पर है, ये 8 यहां पर है, 8×2=64 मान लिया मैंने, 64 टोटल, अगर 64 का बॉयज और गर्ल्स में मैं चला जाऊं, एक बॉयज और एक गर्ल्स, तो इसने बोला है कि 37.5% है, 3/8, 8×8 = 24 हो गया, और ये 24 हो गया तो ये 40 हो जाएगा, बोलो यहां तक की बात अगर आपको क्लियर कर दी तो आप बोलेंगे गुरु बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये 24 हो गया तो ये 40 हो गया, अब इसने बोला 75% लड़के पास होते हैं, तो 75% तो पास होते हैं ना, बाद में फेल वाले चाहिए ना, अगर 75% पास है तो फेल तो 25% है, तो 25% तो मतलब 10 हो गया, 1/4, और 342 लड़की परीक्षा में फेल होती है, लड़कियों में 62% पास होते हैं, 62% होता है 5/8, 5 में से 8 पास है, मतलब 8 में से 5 पास है, 8 में से 5 पास है, तो मतलब कितना बच गया, 3 बच गया, 8 में से 5 पास है तो मतलब भैया मेरे 3 बच गया, आप बोलेंगे जी गुरु, अगर ये 3/8 तो मतलब ये 9 फेल हो गए, यहां फेल होने वाले 10 है और यहां फेल होने वाली 9 है, और अगर ये 9 ना होकर ये है कितना, 342, 9 * 27 और 9 * 72 80 गुना पर बैठे,
तो भैया मेरे इसका भी 38 गुना, सॉरी, और इसका भी अगर मैं 38 गुना करूंगा तो इसका भी 38 गुना टोटल आ जाएगा 380। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर यहां पर रखवा रखा था, क्योंकि बच्चा क्या करता है, वेन डायग्राम करता करता आएगा, वहां पर आकर उसको लगेगा वेन डायग्राम से ही होगा। अरे कई बार लैंग्वेज कुछ डिफरेंट होती है, उस लैंग्वेज को भी तो देखा करो। दस कैसे? अरे भाई मेरे दस ऐसे आए ना, 75% पास है। अगर 75% पास है तो इसमें से 10 से 25% फेल नहीं हो जाएंगे, तो 40 का 25% निकाल दिया मैंने डायरेक्टली, 40 का 25% निकाल दिया। बोलो। हाँ बोलो सर, मुझे 64 के बाद पता नहीं चला, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं, मुझे समझ नहीं आया किसी है। ये 8 और 8 मैंने 64 ऐसी संख्या मान ली। मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब भी हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए या परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है, संख्या अपनी कंडीशन उसकी। तो अभी हमने 64 संख्या मान ली, 64 का 3/8 गर्ल्स है, तो इसका 3/8 क्या, 64 × 3/8। ओके सर, समझ गया। तो 24 आ गया, तो 64 में से 24 को माइनस कर दो, 40 आ गया, 40 का 75% पास है तो 25% फेल होंगे, 62/2% पास है, 5/8 तो 8 में से 5 पास है तो फेल ही होंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आज ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, सेल्फ ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे बच्चे जरूर करेंगे। अभी अभी करो, आज क्या अभी करो, आज क्या अभी करो। बड़ी बात, मैक्सिमम लोगों की बात बन गई है, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 60%, 45%, 105%, तो 105% है। अभी इसने बोला 25% कम से कम फेल होते हैं, 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है, तो 25% है, तो मतलब बचा कितना, 80, तो पास होने वाले 80 हैं, ये पास की संख्या आ गई, लेकिन मुझे चाहिए फेल, तो 100 - 80 आंसर इज 20। वेरी वेरी नाइस, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अब आपको ना वेन डायग्राम की कमी जरूरत पड़ी, वेन डायग्राम से कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो बिना वेन डायग्राम के करने की। ये मैं फिर आपको एक बस ये मैं एक मिनट में आ रहा हूं, इसको तब तक आप करेंगे, टाइम मैं दे रहा हूं, करके बताओ। एटलीस्ट मतलब कम से कम देखो जी, ये ए परीक्षा वाले हैं, ये बी परीक्षा वाले हैं, ये सी परीक्षा वाले हैं। अब इसने बोला कि इनमें से 15 ने परीक्षा ए और बी दी, ये 15 है ए और बी देने वाले, 20 ने परीक्षा ए और सी दी, ए और सी देने वाले 20 है, नहीं 15 ने ए और बी दी, 20 ने ए और सी दी, 15 ने सी और बी दी, बी सी वाले 15 है, जबकि केवल परीक्षा बी देने वाले की संख्या 20 थी, केवल ये 20 थी, केवल बी और केवल सी वालों की 20 थी। सोचा करते 20 और 20 40 20 और 20 40 और 20 60 और 30 90 और 10 100, ये आ गया। अब मैंने माना कि ये x है, अगर ये x रहा होगा तो ये 20 - x, ये x रहा होगा तो ये 15 - x, और ये x रहा होगा तो 15 - x,
दस और बीस तीस और बीस पचास और बीस सत्तर और तीस सौ, ये दस नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का कुछ सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ सोचना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा सोचता हूँ, विचारता हूँ, कल बता देना। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन पे कुछ सोचना पड़ेगा, तब तक छोटे छोटे क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं है ना। कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, कुछ नया पैटर्न निकालते हैं। ये पैटर्न मुझे लग रहा है कि इस पैटर्न में कुछ ना कुछ कहानी सेट नहीं हो रही है, तो इसको ना एक बार के लिए लेफ्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि बच्चा बाद में कोई वीडियो को देखे तो उसको लगे कि ये कैसे क्वेश्चन था। लेकिन अच्छा क्वेश्चन, आओ जी। एक विद्यार्थी की संख्या को पांच बटा तीन के स्थान पर तीन बटा पांच से गुणा कर देता है, करना चाहिए था पांच बटा तीन से, कर कितने से देता है, तीन बटा पांच से। तो भैया मेरे पांच गुना पांच आना चाहिए था पच्चीस, लेकिन आ कितना गया नौ, आना चाहिए था पच्चीस, आ गया है नौ, तो कमी कितने की आएगी, सोलह की, सोलह की कमी आ गई है किसके रिस्पेक्ट में, पच्चीस, और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में सौ, पच्चीस काटेगा चार बार और सोलह गुना चार कितना बन जाएगा, चौसठ परसेंट। आंसर इज 64%, आंसर इज 64%। बोलो भैया हाँ, आप नीचे वाली संख्या को खत्म करना है, नॉर्मल सा नीचे वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकते हो, वैसे आपको वैसे अगर जनरल तरीके से करोगे तो टोटल संख्या 15 मानोगे, उस तरीके का कहानी नहीं। देखो जी फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट। एक विद्यार्थी एक संख्या को सात बटा दस के स्थान पर दस बटा सात से गुणा करता है, सात बटा दस से गुणा करना चाहता था, कर दिया दस बटा सात से, तो सात गुना सात उनचास, दस गुना दस है सौ, उनचास से सौ होना तो कितना बढ़ गया है, इक्यावन, इक्यावन बटा उनचास, और प्रतिशत के लिए गुणा में कर दो सौ, तो इक्यावन सौ बटा उनचास। एक विद्यार्थी किसी संख्या को आठ बटा पंद्रह के स्थान पर पंद्रह बटा आठ से गुणा करना चाहता है, तो आठ बटू चौसठ, पंद्रह पंद्रह दो सौ पच्चीस, तो पांच में से चार गया एक और बाईस में से छह गया तो सोलह, एक सौ इकसठ बटा चौसठ, और गुणा में कर दो सौ, तो चार से कटेगा सोलह बार, चार से कटेगा पच्चीस बार, एक सौ सोलह गुना पच्चीस बटा सोलह। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली टाइप, अच्छा ए होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, गलती से आंसर मार दिया टिक, गलती से गलती हो गई भैया। अब इसने बोला कि एक भिन्न के अंश में 200% भिन्न होता है, ये ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, भिन्न होता है ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, इसमें 200% 100% होता है, 200 और बढ़ गया तो टोटल हो गया 300, और 100% तो था ही, साढ़े 300 और बढ़ गया तो टोटल हो गया भैया मेरे 450, x का 300 y का 450, 100% वैल्यू होती है, 300 बढ़ गया 200 बढ़ गया और 100% वैल्यू होती है 350, तो परिणाम कितना आ गया है 5 बटा 12, 0 से 0, 15 से जाएगा 2 बार, 15 से जाएगा 3 बार, 2 बार सॉरी, और 15 से जाएगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, और x / y कितना बन जाएगा 5/8 इज आवर करेक्ट आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर ये 100% होती है तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, 100% रही होगी तो मतलब बिल्कुल क्लियर है कि नीचे कर दो इसको, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5/8। किसी भिन्न के अंश में 250% और हर में 400% की वृद्धि हो जाए, तो एक एक्स मानो अगला वाई मानो, 250 की वृद्धि हो गई, तो भैया मेरे 100% तो था ही था, 250 बढ़ गया 350, अब 100 तो था ही था, 400 बढ़ गया तो 500, इक्वल टू कितना बढ़ेगा 5/8, 0 से 0 काट दो, 5 से 7 काट दो, 2 से 4 काट दो, 2 से 25 काट दो, 25 ऊपर चला जाएगा, 7 चौका 28 नीचे आ जाएगा, 25/28, बोलो बात क्लियर हुई क्या, क्लियर है सर। आओ, एक भिन्न का अंश हर से 4 कम है, यदि अंश में 32% की वृद्धि हो जाए, 4 कम है ना, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, एक भिन्न x मानो एक y मानो, 4 कम है उस बात का कोई मीनिंग नहीं, आप सिर्फ परसेंटेज को सॉल्व किया करो, इसके अंदर 32% की वृद्धि हो जाए 132, इसके अंदर 75% की वृद्धि हो जाए 175, तो परिणाम भिन्न कितना बनेगा 12/25, तो 12 से जाएगा तो 11 बार और 25 से जाएगा तो 7 बार, तो x / y इज इक्वल टू कितना है 7/11, तो बस यही अपना आंसर है, बात खत्म। सर आपने उस लाइन का तो यूज ही नहीं किया, अरे वो ऑटोमेटिक, वो तो वो लाइन पता कब यूज करनी थी, चार कम वाली, आप सिर्फ परसेंटेज में कम करो, ये चार वाली लाइन तब यूज करनी, जब एक ही ऑप्शन के अंदर मैंने यहां से देख लिया था, यहां भी चार का गैप है, यहां भी चार का गैप है, यहां भी चार का गैप है, तो वो लाइन मेरे क्या काम की पड़ी रहेगी, उसमें चार कम मानी, अब बच्चा पता क्या करेगा, एक संख्या एक्स मान लेगा, अंश हर से चार कम है, ये एक्स मानेगा तो एक्स माइनस चार मान लेगा, लेकिन अपन एक्स वाई मानकर भी आराम से आंसर निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ प्रतिशत पे काम करो, आगे बढ़ो, पहले संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो संख्या मेरी 100 थी, 20% बढ़ा दिया तो 120, और फिर 10% घटा दिया, इसी का 10% घटा दो, और इसका अगर 10% घटाऊंगा, पहले 20% बढ़ा दिया और फिर 10% घटा दिया, इसका 10% घटाऊंगा तो 108, तो 100 से 108 होना तो मतलब कितना परसेंट आ जाएगा, 8% इंक्रीज हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको पता ही है, 20% होता है 1/5, 5 से 1 बढ़कर 6, अगली बार 10% होता है 1/10, 10 से 1 घटकर 9 आ जाएगा, तो भैया मेरे ये 50 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 50 से 54 हो जाना तो कितना बढ़ गया है 4, 4/50 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, 50 काटेगा 2 बार और 4 गुना 2 टोटल कितना परसेंट हो जाएगा 8%, आंसर इज 8%, क्लियर है बात सभी को। एक संख्या को पहले 15 बढ़ाया, 15% होता है भैया मेरे 3/20, और फिर 25% घटाया, 25% होता है, ये सक्सेसिव तो है लगातार, अगर सक्सेसिव नीचे वाली वैल्यू होती है तो ये 20 से 3 बढ़ा दो 23,
अगली बार ये चार तो यूज होना ही होना है, चार से एक घटा दो तीन, तो मैंने देखा 20 को 80 आएगा 30 क्या उत्तर आएगा, 80 से उत्तर होना तो कमी कितने की आ गई 11 की, ओरिजिनल नंबर में और जो रिजल्ट मिला उसमें 11 की कमी है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 11 की कमी ना होकर कमी तो 22 की है, कितने गुना पर बैठा है, दो गुना पर बैठा है, तो मूल संख्या, तो भैया मेरे इसका भी दोगुना, इसका भी दोगुना, तो आंसर इज 160, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में कंप्लीट 168 क्वेश्चन तक कोशिश करेंगे, कल परसेंटेज का बहुत सारा पार्ट निपटा दें, क्योंकि वैसे तो कल रेशो का क्लास मिलेगी, मुझे लग रहा था हम 9 क्लास तक कवर कर जाएंगे, लेकिन धीरे 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 मैं कभी भी चीज को वेयर नहीं करता हूं, बस मुझे 9 क्लास में फिनिश करना है, चीज अगर आपको अच्छे से समझानी है तो एक क्लास ऊपर नीचे हो जाती है, तो कल परसेंटेज की 10वीं क्लास अपन करेंगे, बिल्कुल पीडीएफ डाल देंगे, टॉपिक पूरा होती पीडीएफ डाल देंगे आपकी, ठीक है भाई, ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, कल शाम को फिर आपसे मुलाकात होती है, शाम को 7:15 बजे, बाय बाय, टेक केयर।
नमस्कार सभी बच्चों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, वेरी गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और तैयारी में बढ़िया तरीके से व्यस्त हैं। तो चलिएगा बचे हुए चीजों को आज बढ़ते हैं। चलिएगा जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल 168 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था, उसके आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है 1.5 मीटर लंबी लाइन को, मतलब 1.50 थी, गलती से 1.55 लिया गया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें से घटा दो तो 0.05 का डिफरेंस है, 0.05 का डिफरेंस है किसके ऊपर? 1.50 पर। और परसेंटेज के लिए कर दो इनटू में 100। पॉइंट वाली ये दो जीरो हट जाएगी, 5 से कटेगा 3 बार और 0 से 0 कट जाएगा 10/3 और 10/3 का मतलब आंसर इज 3, 1/3 इज आवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच। टिकट के मूल्य में, हां सभी का नमस्कार है, बस सभी बच्चों का नमस्कार है। सिनेमा हॉल की टिकट में 20% टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, प्राइस इंक्रीज बाय 20%, 20% मतलब 1/5, अगर 5 है तो 5 में 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 6। और दर्शकों की संख्या, दर्शक विजिटर दर्शक, दर्शकों की संख्या में 10% की कमी, 10% होता है 1/10, कहने का मतलब अगर ये 10 है तो 10 में 1 की कमी तो ये कितना हो जाएगा 9। तो मेरे को पता चला कि इनकम कैसे होती है, पहले 10 दर्शक आते थे 5-5 रुपए की टिकट लेते थे, तो 10 दर्शक आते थे 5-5 की टिकट लेते थे तो 50 रुपए। आज 9 दर्शक आते हैं 6-6 की टिकट लेते हैं, अगर 9 दर्शक आते हैं 6-6 की टिकट लेते हैं तो 54 रुपए मिलते हैं, पहले हमको मिलते थे 50 रुपए, आज हमको मिलते हैं 54 रुपए। यानी कि प्राइस को अगर विजिटर से गुणा कर देते हो तो ये हमारी इनकम बन जाती है, प्राइस को विजिटर से गुणा करते हो ये हमारी इनकम बन जाती है। तो 4/50 और परसेंटेज के लिए कर दो इनटू में 100, 50 इसको कितनी बार काटेगा 2 बार और 4 गुना 2 तो मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 8% इंक्रीज, देन आंसर इज 8% इंक्रीज। वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आओ सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ गई, 57 से 1/7% होता है 4/7 और ये 16/3% बढ़ गया, 16/3% होता है 1/6। अब अगर मैं बात करता हूं कि नीचे वाली वैल्यू तो लेनी ही लेनी है, अगर पहले 7 टिकट बिकते थे तो आज 7 से 4 ज्यादा, आज कितने टिकट बिकेंगे 11, अगर पहले 7 टिकट बिकते थे तो आज 7 से 4 ज्यादा कितने हो जाएंगे 11, मूल्य 16 से 2/3 बढ़ गया, अगर यहां 6 था तो 6 से 1 ज्यादा 7। अब देखो ये टिकट है और ये प्राइस बढ़ गया, टिकट मतलब विजिटर 7 से 11 हो गए, ये प्राइस 6 से 7 हो गया, तो प्राइस 6 से 7 हो गया, विजिटर 7 से 11 हो गए, कॉमन संख्या कट कर दो 6 से 11 हो जाना, और 6 से 11 हो जाना तो कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, 5/6 और इनटू में अगर 100 कर दोगे तो आंसर इज 83.33%, देन आंसर इज 83.33% इज आवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच। आओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिनेमा घर की टिकट की कीमत में 60% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 60 रुपए की वृद्धि हो जाती है रुपए की, लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% मतलब 1/5, पहले अगर 5 दर्शक आते थे तो 5 से 1 कम, आज दर्शक कितने रह गए 4, और टिकट की प्रारंभिक कीमत थी 120 रुपए, तो अगर प्रारंभिक कीमत 120 रुपए थी तो आज 60 रुपए बढ़कर आज कीमत कितनी हो जाएगी 180, तो 60 से 2 बार 60 से 3 बार 2:3। तो मैंने देखा कि दर्शकों की संख्या नंबर और ये प्राइस, तो इनकम कैसे होती है, इनकम होती है नंबर इनटू प्राइस, 2 से कटेगा 2 बार तो ये 5 से 6 होना, और अगर ये 5 से 6 हो गया तो मैंने इस बात को देखा कि ये अगर 5 था तो ये 6 हो जाएगा, पहले इनकम 5 रुपए होती थी तो आज इनकम 6 रुपए, इनकम कितनी बढ़ गई 1 रुपया, क्वेश्चन ने बोला इनकम 1 नहीं बढ़ी, इनकम बढ़ी कितनी है, इनकम बढ़ी है 8000, 1 का मान 8000 है तो 5 का भी 8000 गुना, तो भैया मेरे टोटल स्टार्टिंग का केस कितना आ जाएगा 40000। नेक्स्ट, किसी भी सिनेमा घर के टिकट का प्रवेश मूल्य 250 रुपए का, टिकट के मूल्य में कमी होती तो टिकट की बिक्री 50% बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई 50% मतलब 1/2, कहने का मतलब पहले अगर 2 टिकट बिकते थे तो आज 3 टिकट बिकेंगे, नंबर पहले अगर 2 टिकट बिकते थे तो आज 3 टिकट बिकेंगे, जबकि प्राप्त की गई कुल धनराशि में 17.5% की इनकम के अंदर 17.5% की कमी आ जाती है, 17.5% मतलब 35/2 और परसेंट है तो ये 1/100 कर दो, 5 से कटेगा 20 बार और 5 से कटेगा 7 बार तो 7/40 हो गया, और 7/40 अगर हो गया तो ये अगर 40 है तो 40 से 7 की कमी, और 40 से 7 की कमी तो कितना आ जाएगा 33, ये अगर 40 है तो 40 से 7 की कमी तो कितना आ जाएगा 33, बोलो यहां तक इनकम। तो अब इसने बोला मूल्य प्राइस रुपया प्रत्येक टिकट का, आज पहले उसके पास 40 रुपए आते थे भाई, पहले उसके पास 40 रुपए आते थे और हर रुपया हर आदमी मतलब दो ही आदमी आते थे, 40 रुपए आए और दो आदमी ने दिए हैं तो एक आदमी कितने देके गया 40/2 20 रुपया, आज उसके पास रुपए 33 आए और तीन आदमी आए तो 33 रुपए तीन आदमी ने दिए और हर आदमी बराबर देगा तो 33/3 11,
तो पहले था ₹20 की टिकट थी, आज टिकट है ₹11 की। तो टिकट के देखो लिखा हुआ है, मेरा कर्सर देखो लास्ट लाइन पढ़ो, टिकट के मूल्य में कितने परसेंट की कमी, 20 से 11 होना तो कमी कितने की है, 9 की। और 9 की कमी हो गई किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या कर दो भैया मेरे, गुणा में सो कर दो, 20 कितनी बार काटेगा, 5 बार काटेगा, और 9 गुना 5 कितना परसेंट बन जाएगा, 45%। देन आंसर इज 45% इज आवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच। बोलो नेक्स्ट नंबर। किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, पहले घटाएंगे और फिर उसी पे बढ़ाएंगे, पहले जिस पर घटाए हैं फिर उसी पर अगर बढ़ाएंगे तो यही तो सक्सेसिव होता है, यही तो कर्मागत होता है। बोलो भैया हाँ या ना, आप बोलेंगे जी सर यही तो सक्सेसिव है, यही कर्मागत है। तो 25% 1/4 और 20% 1/5, तो ये अगर 4 है तो 4 से 1 घटाओ बच गया 3, 20% 1/5, 5 से 1 बढ़ाओ तो हो गया 6, तो 5 × 20, नीचे वाली वैल्यू तो यूज करनी करनी होती है सक्सेसिव में, ये हो गया है 20 और ये हो जाएगा 18, 20 से 18 होना तो कमी कितने की आ गई है, 2 की, और 2 की कमी आ गई है किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, 2/20 और इनटू में कर दो 100, 20 कितनी बार काटेगा, 5 बार, और 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10% डिक्रीज। आओ फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डिक्रीज है तो माइनस कर दो, अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पहले 25 घटाओ फिर 20 बढ़ाओ, हाँ पहले 25 घटा लो माइनस का 25 फिर 20 बढ़ा लो प्लस का 20, और 1 प्लस और 1 माइनस है तो माइनस, 25 गुना 20 अपॉन 100, तो 25 से जाते हैं 4 बार, 4 से जाते हैं 5 बार, तो ये इन दोनों से अगर मैं देखूंगा तो माइनस का 5 और उधर भी माइनस का 5 और माइनस 5 और माइनस 5, तो ओवरऑल माइनस का 10%। हाँ सक्सेसिव बेस्ट है, जो भी जिसको जैसा इजी लगे वैसा कर दो। आओ अगला नंबर क्वेश्चन, मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और फिर 25 की कमी आ जाती है, तो पहले 25% बढ़ाई और फिर प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी में, तो सक्सेसिव लगा दो, 25% 1/4 होता है, तो अगर मैं यहां नंबर की बात करता हूं 4 से 1 बढ़कर 5, और मजदूरी की अगर मैं बात करता हूं तो भैया मेरे 25% 1/4, 4 से 1 घटकर 3, तो 4 × 16, 5 × 15, 16 से 15 होना, तो अगर पहले ₹16 आती थी टोटल खर्चा, तो आज ₹1 कम, तो 1 की कमी आ रही है किसके रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए कर दो इनटू में 100, तो 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25/4% इज आवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच। आओ जी, किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई है, 35% होता है भैया मेरे 7/20, तो अगर पहले 20 था तो 20 से 7 कम 13 हो जाएगा, और राजस्व प्राप्ति में 17 की वृद्धि हो गई, 17 की वृद्धि होने का मतलब ये हो गया अगर ये 100 था तो 100 से 17 ज्यादा 117 हो जाएगा, कीमत में तो कमी कर दी, तो बिक्री सेल, जैसे एक किताब पहले ₹20 की बिकती थी, आज वही किताब ₹13 की, पैसा ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब सेल बढ़ी, नंबर बढ़ गए, नंबर कैसे, आप खुद सोचो, पहले एक किताब ₹20 की बेचोगे और टोटल ₹100 अपने पास आए हैं, तो 100/20 पहले 5 हो जाता है, आज ₹13 की किताब बिक्री, 117/13 तो 9 हो जाता है, तो 5 से 9 होना तो कमी कितने की आ गई, मतलब वृद्धि कितने की आ गई, 4 की, 4/5, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, 5 काटेगा 20 बार, 20 × 80, आंसर इज 80%। अब देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई है, 8% होता है R/100, तो आपको मैंने आपको बताया कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू तो यूज करनी ही करनी है, अगली बार 8% की कमी कर दी गई, ये भी R/100 है, मैंने आपको सक्सेसिव के केस में बताया कि नीचे वाली वैल्यू तो यूज करनी करनी है, कि अगर टोटल 100 है तो R बढ़ गया तो 100+R, अगली बार ये 100 है तो भैया मेरे R घट गया, और R घट गया तो 100-R, 100 × 100 करेंगे तो 10,000 बनेगा, ये समझ में आया, गड़बड़ मत कर देना, बहुत सारे बच्चे पता है ऑफलाइन में क्या गलती करते हैं, वो आप भी करेंगे, फिर पहले 100 से बढ़कर 100+R, फिर वो यहाँ पर 100+R लिख देंगे, इसी को ले आएंगे, वो भूल जाते हैं कि सक्सेसिव में तो सर ने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू तो ये लिखनी लिखनी है, ये आर परसेंट इंक्रीज का केस है, ये आर परसेंट डिक्रीज का केस है, तो ये अगर 100 है तो आर बढ़कर 100+R, अगर ये 100 है तो भैया मेरे आर घटकर 100-R, तो भाई मेरे ये आ जाएगा 10,000-R², अगर ये 10,000 है तो 10,000-R² रहा होगा, अगर ये 10,000 है तो 10,000-R² रहा होगा, बोलो हाँ ना, आप बोलेंगे जी सर, लेकिन 10,000-R² ना होकर वैल्यू है कितनी, 1, तो 10,000-R² की वैल्यू 1 है, अब 10,000-R² की वैल्यू 1 है, तो 1 का मान कितना आएगा, 1/10,000-R², और वैल्यू किसकी निकालनी है 10,000 की, तो इनटू में कर दो 10,000, आइएगा करके देखो शाबाश, एक परीक्षा में स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है, वो तो बता देना सभी बच्चे, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही, क्योंकि आज हम एंड स्टेज पर हैं, तो एंड स्टेज पर हैं, तो मुझे लगता है कि इतना तो माइंड अप्रोच आपका होना चाहिए, लास्ट में रिपीट कर दो, लास्ट में भाई मेरे इसकी वैल्यू दे रखी है ना राम खिलाड़ी, इसकी वैल्यू 10,000-R² की वैल्यू 1 दे रखी है, 10,000-R² की वैल्यू 1 है, तो 1 का मान अपॉन में 10,000 का मान इनटू में 10,000, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए, और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए, तो बी को कुल कितने प्राप्त हुए, भाई खुद इतना सा सोचो, ए ने बी से ज्यादा और बी को सी से ज्यादा, ठीक है, और सी को डी से कम, तो मैं ये कह सकता हूं, अब इतनी सी बात को समझो, कि अगर ये 100 है
तो भैया मेरे ये 20% अधिक 120 रहा होगा, फिर इनसे 10% अधिक तो 132 रहा होगा। बोलो तो मैं ये कह सकता हूँ सी ए से 32% ज्यादा प्राप्त करता है। तो अब इसका कहना है कि इफ ए स्कोर्स, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, तो ए को कितने ज्यादा प्राप्त हुए हैं 32, 32 का मान 272 है, तो बी को 120 नंबर मिले हैं, तो 32 का मान 272 डिवाइडेड बाई 32 और इनटू में कर दो भैया मेरे 120, 16 दूनी 32, 16 से जाएगा एक बार, बचा कितना 11, 16 सत्ता 112, 2 से कटेगा 60 बार, 17 चिका 102, 102 की 10 से गुणा कर देंगे तो 1020 इज आवर करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। बोलो भैया बात अगर क्लियर है तो। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें डी का कोई लेना देना ही नहीं है। अब आपको ये चीज को फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी रहेगी, कुछ बच्चे सी से डी से शुरू करेंगे, इसका 32% घटाएंगे तो प्रिंस दोबारा रिपीट, प्रिंस भाई मेरे मैंने सी को 100 मान लिया और सी को 100 मानोगे तो देखो इस लाइन को पढ़ो, बी ने सी से 20% अधिक तो ये 100 है तो 120 हो गया। अब इसने बोला ए ने बी से 10% अधिक तो इसका 10% निकाल दो ना, 10% निकालना इतना बढ़िया तरीके से सिखाया था, 10% 1/10 होता, 0 से 0 कट कर दोबारा जोड़ दो, 132 आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि ए को सी से 272 अंक अधिक, तो ए को सी से कितने ज्यादा मिले हैं 32, 32 का मान 272 है तो 1 का मान, तो 120 का मान आपको बताना है, 32 का मान 272, 1 का मान और 120 का मान आपको बताना है, तो आंसर आ जाएगा 1020। बोलो सो कुछ भी मान लो, जब आपको परसेंट प्रिंस ये, अरे भाई मेरे मेरा मन कर रहा है तेरी आज पिटाई करी दूं, जब हमको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, जब प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है, किसी चीज का परसेंटेज निकालना होता है उसी को तो परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, जब हमको प्रतिशत में आंसर चाहिए या प्रतिशत में कैलकुलेशन करते हैं तो संख्या अपनी कंडीशन उसकी कैसे बुद्धू वाली बात कर देते हैं। बढ़िया देखो स्टार मार्क क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है स्टार मार्क क्वेश्चन है, ए को मानेंगे वो मुश्किल नहीं पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा दोस्तों, ए को मानेंगे मान के देखो एक बार उल्टा पड़ेगा ना, आप फॉरवर्ड पोजीशन पे मानो कि सी से बी पर जाना, बी से ए पर जाना, अब ए पर मानेंगे फिर इससे यहां जाएंगे रिवर्स करते हुए, फिर इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है, माइनस करना बड़ा मुश्किल है, आसान है प्लस करना। आज तो करी दो पिटाई, नहीं कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। चारों के चारों आंसर कैसे हो सकते हैं, देखो जी आपको जो आप चाहते हैं वैसा मिल जाए आपको, बाकी जो बच्चे हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े थे उनको 100% चीजें समझ आएंगी, क्योंकि देखो हम लोग तो टेंथ क्लास है, बीच में क्लास आएंगे तो हो सकता है चीजें आपको समझ आएगा, आप एक बार पहले लेक्चर पे जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखो, अगर आपको कुछ समस्या आती है तो फिर आप मेरे से पूछना, अगर आपको पहला दूसरा लेक्चर देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर की बात मुझे समझ आ रही है अच्छे से, तो आप आराम से फिर आप मेरे से क्लास में आओ 7:15 बजे से हर रोज, एक बार आप इस क्लास की बजाय आप मेरी अभी रिकॉर्डेड क्लास लाकर देख लो। जी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया उसको, हो गया। हाँ नहीं अगर समझ आ रहा तो बढ़िया, लेकिन क्या होता है ना कि हम मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, हम लोग का पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि हम आपको किसी भी टॉपिक के मैं मानता हूँ 200 क्वेश्चन कराते हैं जी, तो 200 क्वेश्चन में से भाई मेरे आप चाहे उस टॉपिक के फिर 2000 क्वेश्चन कर दो, 200 क्वेश्चन में से अंडरस्टैंडिंग देते हैं आपको, समझ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, मेरा पढ़ाने का तरीका इसलिए थोड़ा सा अलग रहता है दूसरों से कि मैं मैथ को मैथ के तरीके से नहीं, मैथ एक अंडरस्टैंडिंग गेम है, तो आपको सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, आपको उस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, समझ गए, तो यही क्वेश्चन जब आज से 20-15 दिन पहले मतलब 15-10 दिन पहले बहुत सारे बच्चों के थे, लेकिन उन बच्चों के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपके भी 100% खत्म हो जाएंगे, अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अभी नहीं समझ पाए तो क्लास नंबर 1 से देखो, रिकॉर्डेड देखो आपको वैसे ही लगेगा जैसे सर लाइव पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड देखिएगा 1, 2, 3, 4 रिकॉर्डेड क्लास देखते देखिए आप, हाँ जिस दिन कोई नया टॉपिक शुरू होता है उसी दिन आपको 100% आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, 100% समझ आएगा, ये मेरा दावा है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे कोई किताब लेना मार्केट से, ये मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज के लिए, अगर आपने मेरा किसी टॉपिक का पूरा क्लास किया तो उस टॉपिक के मार्केट की किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टीचर के नोट्स, किसी भी टेलीग्राम, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का नोट्स क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है जी सर, ठीक है ना, तो ये कैसे पता चलेगा जो आपका न्यू बैच आ रहा है कोई मेरे को फॉलो कर दो उसमें दिखाई दे जाता है, जैसे मेरी क्लासेस में शेड्यूल में पता चल जाता है, हर रोज का शेड्यूल रहता है, और मैं सिर्फ इवनिंग में पढ़ाता हूं, दिन में नहीं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ आपको 6 बजे के बाद ही पढ़ाता हूं, मिलूं यहां पर, तो अभी तो 7:30 चलता है बैच, फिक्स है, दिन में तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है ना, थैंक यू, हां ठीक है, देखिएगा जी ध्यान से सुनना,
किसी कंपनी में एक्स परसेंट किसी कंपनी के कर्मचारियों में एक्स परसेंट की वृद्धि होती है और समय अवधि में भी एक्स परसेंट की वृद्धि होती है, इसके कारण कंपनी का उत्पादन 74.24% बढ़ जाता है। यही बोला गया। तो आपको बताना है कि शुरुआती संख्या अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालना बड़ा टास्क है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालूं, समझ आई बात। तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको बेसिक से निकालना है तो वही सक्सेसिव, लेकिन मैं कहूंगा कि आप बेसिक बेसिक छोड़ो, जब 179 क्वेश्चन पे पहुंचे 180 क्वेश्चन आप इस टॉपिक करके आ गए तो बेसिक क्वेश्चन छोड़ो, करना कैसे है बाई हिट एंड ट्रायल, आप एक्स की वैल्यू निकालो बाई हिट एंड ट्रायल, आप एक्स की वैल्यू निकालो बाई हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल अगर आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू जैसे अगर आप एक्स का मान 40 मान लो, वैसे भी करके बताऊंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सोचना सीखें, एक्स की वैल्यू अगर आप 40 मान लेंगे तो 40 प्लस 40 80 और प्लस में 40 गुना 40 गुना 40 अपॉन 100, तो अगर मैं 40 देखूं तो 40 40 80 और 80 में 16 और जोड़ दो तो इस हिसाब से तो 96 हो गया, लेकिन हमको चाहिए 74, तो मतलब मेरा बहुत बड़ा चला गया, समझ गया आप कि इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं 30% की, तो अगर मैं 30% की देखूंगा तो 30 और 30 60 और 30 गुना 30 9 60 और 9 69% आ गया भाई, 30% से अगर आप करके देखेंगे तो 69 आ गया। बोलो क्या मैं करके बताऊं कि आपको आ गया, बताइए सभी बच्चे मैं करके बताऊं कि आ गया 30% है, आ गया, वेरी नाइस। तो अब मैं आपको डायरेक्ट उस पर ले सकता राम खिलाड़ी, मुझे भी पता है भाई थोड़ा सा वेट कर लो, 4 है, अब लास्ट में कितना है 4, 4 कब आएगा जब मेरे को एक्स वाई की गुणा कर दिए, एक्स वाई बाई 100 तो करना है, तो दो चीजों की गुणा ठीक है, तो दो चीजों की गुणा के साथ मुझे चाहिए 4, लास्ट में 4, तो 2 गुणा 2 तो 4 होगा या 8 गुणा 8 4 होगा, तो नंबर सिस्टम हमको बताता है कि 2 गुणा 2 4 होगा या 8 गुणा 8 4 होगा, तो 79 में तो पहुंच गए, आप जस्ट नजदीक पहुंच गए, देख लो नजदीक, तो 32 के नजदीक कौन सा नंबर है, 32 नंबर है, अगर आप करके देखेंगे 32 प्लस 32 प्लस में 32 गुणा 32 बटा 100 और 32 और 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 और प्लस में 32 गुणा 32 करेंगे तो 1024 मतलब 10.24 और 64 में अगर मैं 10.24 मिला दूंगा तो 74.24 देखो बात बन रही है, तो इसका मतलब मैं फिक्स हो गया हूं कि एक्स का मान मैंने 32 नहीं दिया। बोलो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसका यह कहना है कि कंपनी में शुरुआती कमी कुल 240 नए कर्मचारी शामिल हुए तो टोटल तो 100 लोग थे, तो 100 में 32 लोग शामिल होकर 132 आ जाएंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 32, 32 का मान कितना है 240, तो कितने गुणा पर बैठा है हमको देखना है कि 32 का मान 240 है, तो 1 का मान और 100 का मान 16 × 32 16 × 16 बचेगा 8, 16 × 85 2 से कटेगा 50 और 15 × 50 तो कितना हो जाएगा 750, देन आंसर इज 750 इज आवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच 750। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइएगा टाइप नंबर 14 में हम लोग आ चुके हैं, लास्ट वाला नहीं आया, लास्ट वाला नहीं आया भाई मेरे, उसने क्या बोला है अगर कुल 240 नए कर्मचारी आए, अगर मैं टोटल 100 कर्मचारी मान लूं तो 100 का 32% 32 ही तो होगा, तो नए अगर ओल्ड कर्मचारी 100 माने तो नए कर्मचारी 132, ओल्ड कर्मचारी अगर 100 माने तो नए कर्मचारी 132, तो इसका मतलब कितना बढ़ गई 32 बढ़ गई ना, परसेंटेज में तो 32 बढ़े हैं, वैसे कितना बढ़े, तो 32 का मान 240, तो 1 का मान और 100 का मान निकाल दो। बोलो जी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा इसको वैसे भी करके दिखाऊं क्या, वैसे आप बाई हिट एंड ट्रायल निकालना, यही बेस्ट अप्रोच होती है, वैसे भी तरीका है लेकिन बाई हिट एंड ट्रायल निकालना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अब मैं डिमांड रखूंगा आपसे 1.5 मिनट का टाइम है, 147 वाला भी बताएंगे, पहले बस फटाफट आगे बढ़ते हो क्योंकि कल से टॉपिक नया आ जाएगा, तो मैं चाहता हूं नए टॉपिक पर जाने से पहले इसकी एक क्लास अंत में देखते कितने हो पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चला रहा हूं कि कल टॉपिक नया आ जाएगा। वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिएगा जिन भी बच्चों ने जैसे भी आंसर निकाला बढ़िया बना, देखिएगा मैं आपको बताता हूं कैसे कम टाइम में कर सकते हैं, 120 140 और 100, 120 140 और 100, ये कह रहा है कि गणित के नंबर है 180 और इसको नंबर मिले हैं 40 55 और 45, इसको नंबर मिले हैं 40 55 और 45, 40% 55% और 45%, तो ओवरऑल हो जाएगा 60%। उसको कहना कि इनमें वो इस सब्जेक्ट में कितने नंबर ले कि ओवरऑल उसको 60% नंबर तो मिले ही मिले, तो देखो कैसे निकालना होता है, तो इसका जो नंबर मुझे ओवरऑल चाहिए है उसका 60% निकाल लो, 60% निकाल लिया तो 108 तो आ गया। बोला हां सर, अब यहां 40% तो है ही लेकिन यहां 60 करने के लिए मुझे कितना नंबर चाहिए, 20%, तभी तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो इसका 20% कितना होता है 24, यहाँ 55 तो है ही, मुझे यहाँ भी 60 करना, ओवरऑल का मतलब हर जगह 60 कर दो, हर जगह 60 कर दो तो यहाँ मुझे कितना परसेंट हो चाहिए 5%, तो 1/20 5% 7 नंबर ही हो गया, और ओवरऑल 60 का मतलब है हर जगह 60 होना चाहिए, तो ये 45 है तो यहाँ 15% हो चाहिएगा, और अगर यहाँ 15% हो चाहिएगा तो ये 15 आ गया, तो इन सबको जोड़ दो 24 प्लस 7 31 31 और 15 और 8 तो 108
और एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की जरूरत है। ए ने उत्तीर्ण से 10% का अंक प्राप्त किया, तो मैं कहता हूं मैंने मान लिया टोटल मार्क्स मान लिया मैंने 100 पासिंग मार्क्स हो गया भैया मेरे 40। क्लियर बात। अब ए को 40 से कम मिले, कितने नंबर? 40 से 10% नंबर कम मतलब माइनस कितना? 40 का 10%, 10% मतलब 4, और 40 से 4 नंबर कम मिले तो टोटल कितना हो जाएगा? 36। अब ये कह रहा है कि बी को A से भी कम मिले, कम मतलब माइनस कितना कम? 11 से 1/9%, 11 से 1/9% होता 1/9, तो 4 कम कर दो, 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 32। C को A plus B के योग से 68 से कितना कम मिला है? C ने A और B के कुल अंक से इतना कम 41 से 3/17, तो सबसे पहला काम है 41 से 3/17 को सोल्व करना। अगर मैं 41 3/17 को सोल्व करता हूं तो ये 7/17 आएगा, 41 3/17 को सोल्व करूंगा तो 7/17 आएगा। बोलो 7/17, तो इसमें से 7/17 17 से जाएगा 4 बार 7 = 28 घटा दो, 68 में से अगर 28 गया तो बचा कितना? 40। बोलो है ना, 68 में से 28 गया तो कितना बच गया? 40। तो अगर ये 40 आ गया तो अभी इसको मतलब 40 नंबर मिल गए, और अगर इसको 40 नंबर मिल गए तो ये कह रहा है सी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाया नहीं। हाँ, 40 नंबर वाले तो पास होना था बिल्कुल, तो सी क्या हो पाया है? पास हो गया, तो आंसर इज पास। सी क्या हो गया? पास हो गया, तो आंसर इज पास। नेक्स्ट, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% ज्यादा, और सी ने डी से 20% कम। हेलो गुप्ता भैया मेरे, इसको नॉर्मल सोल्व कर लो ना दोस्तों। 17 × 17 और 17 × 68 और 1 × 69 697 और 3 700, 700/17 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 कर दो, परसेंट को हटाएंगे तो 1/100, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 7/17 दो पड़ेगा। समझ आ रही बात? एक परीक्षा में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% ज्यादा, सी ने डी से 20% कम, तो ये मान लिया 100, डी से 20% कम 80, बी ने सी से 25% ज्यादा, 25% ज्यादा मतलब 100, और इससे ए ने बी से 10% कम मतलब 90। गेम था सारा यहाँ पर, जैसा पहनिया फल तो उस वैसे मिलेंगे जैसे आपको। अब मैंने एक पॉइंट को लिखवाया नहीं, 182 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए, अब तो आपको समझ आना चाहिए कैसे कैसे आपको कंपैरिजन करना है। डी से सी पर गए हैं, सी से बी पर गए, बी से यहाँ पर गए, ये चीज बी से सी पर, सी से बी पर जाने में फटाफट दिमाग लगाना है कि बी ने सी से 25% अधिक, 25% 1/4, अगर इसको 4 तो इसको 5, 4 का मतलब सी है 20 गुना पर बैठा, तो 5 का 20 गुना कितना हो जाएगा? ठीक है, अब क्या कहना है? तो उस परीक्षा में डी ने कितने अंक प्राप्त किए ऐसा उसने बोला है, तो डी ने कितने नंबर लिए? तो ए ने 360 लिए हैं, तो 90 का मान 360 है, कितने गुना पर बैठा है? 4 गुना पर, तो 100 का भी 4 गुना, 100 का भी 4 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 400। आइएगा नेक्स्ट, एक परीक्षा में रमन को रोहित से 25 अंक कम, रोहित, सोनिया, रोहन, रवि, देखो बहुत गौर करके सुनना। एक परीक्षा में रमन को रोहित से 25 अंक कम, रोहित से 25 कम है, रोहित को सोनिया से 45 अंक ज्यादा, रोहन को 75 नंबर मिलते हैं, ये दे रखा है, जो मतलब रोहन के नंबर सोनिया से 10 अधिक है, सोनिया से 10 अधिक है तो मतलब सोनिया के 65 है, स्टेप बाय स्टेप सोनिया के 65 नंबर, रोहन को अगर 75 नंबर मिलेंगे तो सोनिया को 65 मिलेंगे। अगर सोनिया के 65 हो गए तो मैं कहता हूं रोहित, रोहित के इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, समझ गए? तो रोहित के सोनिया से 45 ज्यादा, 45 ज्यादा है तो 110, रमन के 25 कम, रमन के 25 कम है तो 85, और उसने बोला कि रवि को अधिकतम अंकों से कम मिलते हैं, रवि ने कितने, यदि रमन ने उससे 34, रमन से 34 अंक अधिक मिले हो, रवि को रमन से 34 ज्यादा, रवि को रमन से 34 ज्यादा, अगर इससे 34 ज्यादा मिलेगा तो 119 हो जाएगा, बोलो हाँ ना, 119 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। और अगर ये 119 है, अब इसने एक बात और लिखी है क्या, कि रवि ने रवि को अधिकतम अंकों से 50 अंक कम, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना आएगा? 119 + 50 169
169 आ गया। तो अब इसमें इसको कितना परसेंट मार्क्स मिला, तो आप इसको ना अप्रोक्स आइडिया मान लो 120 और इसको मान लिया 170, जीरो के नजदीक पहुंच गया और गुणा में कर दो 1200 बटा 17 आ गया, और 1200 करेंगे तो 17 की संख्या बैठी, तो अप्रोक्स मेरा जो आंसर आएगा कितना बन जाएगा 70%। अप्रोक्स जो मेरा आंसर आएगा कितना बन जाएगा 70%। बोलो भैया जटिल क्वेश्चन, जटिल नहीं है भैया, सरे का कहना है सर 169 रिपीट, 169 में क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है 169 तो, अब लास्ट में रिपीट करेंगे अगर किसी को भी कैसी भी दिक्कत है। सरे का कहना है 183 वाला, ये 169, अच्छा ये वाला, अरे इसने आपने लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी भाई, अब जो मैं नीली लाइन खींचूं उसको ध्यान से पढ़ना, अब जो मैं नीली लाइन खींचूं उसको ध्यान से पढ़ना कि रवि को अधिकतम अंकों से 50 अंक कम, तो रवि को जितने भी नंबर मिले मैक्सिमम मार्क्स से 50 कम है, रवि को जितने भी मार्क्स मिले मैक्सिमम मार्क्स से 50 कम है, तो इसमें 50 जोड़ दो ना, इसमें 50 जोड़ दो तभी तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे, इसमें 50 जोड़ देंगे क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स से 50 कम है, तो मैक्सिमम मार्क्स से 50 ज्यादा है। अब एवरेज मतलब ये परसेंटेज निकालने के मैंने अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लिया 120 और 170 का। आइएगा, किसी विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, यदि कोई अभ्यर्थी कुल प्रश्नों में से 15% का प्रयास, 15% में से 10 सही उत्तर देकर पास हो गया, 10 सही उत्तर दे दिए, 10 उत्तर सही दे दिए तो 40% अंक, तो ये कह रहा है 10 सही उत्तर देकर उसको 40% नंबर मिल रहे हैं, उसको चाहिए 100%, तो कितने गुना, 2.5 गुना, तो इसका भी 2.5 गुना, इसका भी 2.5 गुना, और इसका भी अगर वो 2.5 गुना करेगा तो 25 नंबर आ जाएगा, देन आंसर मतलब 25 क्वेश्चन आ जाएगा, देन आंसर इज 25 और करेक्ट ऑप्शन। कि भाई मेरे देखो उसको 40% नंबर मिले, कहीं भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, क्वेश्चन ने दे नहीं रखा नेगेटिव मार्किंग है, आप बोलेंगे सर ये तो बात आप सही बोल रहे हैं, तो मतलब ये रहा कि सिर्फ उसके सही वाले क्वेश्चन देख लो कि 10 सही उत्तर दिए, मतलब 10 क्वेश्चन सही है तो नंबर 40% आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 4% को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्वेश्चन 4% को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मल्टीपल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक क्वेश्चन 4% को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एक क्वेश्चन 4% को रिप्रेजेंट करेगा तो भैया मेरे 100% को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 से 25 गुना तो 1 का भी 25 गुना तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा 25 इज आवर करेक्ट आंसर। देखो एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में फेल हुए, मैथ में फेल होने वालों की संख्या है 50%, इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या है 55%, हिंदी में फेल होने वालों की संख्या है 40%, मैथ और इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या है 15। मैं एक बार लिख लेता हूं क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, मैंने कल 2 वाला वेन डायग्राम तो करा था, ये 3 वाला क्वेश्चन, इंग्लिश में 20% इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी और गणित में, और 10% तीनों विषयों में, मैथ इंग्लिश हिंदी 10%। अब देखो बात को बहुत गौर करके सुनना समझना, ये वो स्टूडेंट है जो मैथ में फेल है, ये वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में फेल है, और ये वो स्टूडेंट है जो हिंदी में फेल है, क्लियर है बात। अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले कल मैंने जब 2 वाला केस सिखाया था तो मैंने बोला था सबसे पहले सबसे कॉमन संख्या पर चले जाओ, मतलब सबसे ज्यादा वाले पर, कॉमन मतलब अगर 2 सर्कल है तो 2 पर चले जाओ, 3 सर्कल है तो 3 पर चले जाओ, तो ये जो कॉमन वाला ये है 10 और हिंदी और मैथ, अब ये वाला केस हो, अब आ जाओ इस केस पर, हिंदी और मैथ है 25, हिंदी और मैथ 25 है, 10 तो यही आ गया, तो इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा 15, इंग्लिश और हिंदी है 20, इंग्लिश और हिंदी है 20, इंग्लिश हिंदी 20, तो ये 10 है, तो इसका मतलब ये कितना जाएगा 10, टोटल तो 20 हो गया, मैथ इंग्लिश है 15, मैथ इंग्लिश 15 है, तो ये 10 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 5, हिंदी है 40, हिंदी 40 है, तो 10 और 10 20 और 15 35, 10 और 10 20 20 और 15 35, तो 35 आ गया, तो ये कितना बच जाएगा 5, इंग्लिश है 55, इंग्लिश है 55, तो भैया मेरे 10 और 10 20 20 और 5 25, इस पूरे सर्कल के अंदर 55 आना चाहिए, 10 और 15 10 25 25 में 30 जोड़ दो तभी तो 55 बढ़ेगा। अगर मैं बात करता हूं मैथ का है 50, अगर मैथ अगर 50 है तो 15 और 5 20 20 और 10 30 30 के अंदर, अब इस मैथ वाले सर्कल में टोटल कितना आना चाहिए 50, तो 15 और 5 20 और 10 30 30 में कितना जोड़ देंगे 20, तो 50 है, 50 और 30 80 और 10 90 और 5 95 तो 100% होता है, तो 100% से 95% तो मतलब कितना परसेंट, ये 95% तो खुद सोचो फेल है, अगर 100% टोटल होते हैं तो इसका मतलब 5%, तो आंसर आ जाएगा 5%। बोलो बात समझ में आई क्या, समझ आया 3 वाला केस, कल मैंने 2 वाला केस समझाया था, आज ये 3 वाला केस समझ में आ गया, अब सभी के सभी बच्चे आराम से इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, 186 नंबर क्वेश्चन, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन करना भाई,
करके देखो शाबाश, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। देखो मैक्सिमम लोगों का आ चुका है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी 40-50-30, मैथ इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, हिंदी मैथ 25-15-22, और मैथ इंग्लिश और हिंदी 13। बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले इस कॉमन सर्कल पे आ जाओ, कॉमन सर्कल है 13 वाला। अब हिंदी मैथ पर मैथ इंग्लिश हिंदी, तो अगर हिंदी मैथ 22 है, हिंदी मैथ 22 है तो 13 से आगे बढ़ जाओ, 13 7 और 2 9। अगर इंग्लिश हिंदी 15 है, इंग्लिश हिंदी 15 है तो ये 2, मैथ इंग्लिश 25 है, मैथ इंग्लिश 25 है तो ये 12, हिंदी 30 है, हिंदी अगर 30 रहा होगा तो 13-12-15-24, तो मतलब ये 6 बच गया। इंग्लिश अगर 50 है, इंग्लिश 13-12-15-27-27-50 में से 27 गया तो 23 बच गया। मैथ अगर 40 है, 13-12-25-9-34 से जाएगा 6, तो सबको जोड़ दो, 40 आ गया, 40 और 23 63 और 62 71, तो इस हिसाब से 71% तो फेल है, और टोटल मेरे पास 100% होता था, 100% में से 71% फेल है, तो मतलब कितना परसेंट बच गया, 29। ये सेल्फ कर लेना, मैं इसमें डल लिख देता हूं, सेम ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, डन कर लेना इसको, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। सीसा एस्ट के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, और सीसा है, यदि खान से 8000 किलोग्राम एस्ट निकाला गया, देखो जी सबसे पहले 8000 किलोग्राम है, 8000 किलोग्राम में 60% मेटल है, अगर इसका मैं 60% निकालूं, 60% निकालूं तो 48 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलेंगे जी सर। अब चांदी का परसेंट धातु का 3/4 है, धातु का इसका 3/4, इसका 3/4% परसेंट आ जाएगा, 2 0 को 4 से जाएगा 12 36, मतलब 36 आ गया, और ये 36 आ गया तो कितना बन जाएगा 47-64, तो इसका मतलब सीसा कितना है, सीसा था ना, तो सीसा कितना आ जाएगा 47-64। आसान सा क्वेश्चन था, बस भाषा थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली दे रखी है, तो ये थोड़ा डर लगाने के लिए था, इसलिए वैसे और कुछ नहीं था, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 8000 का 60% निकाल दो, 4800 का 3/4% है, ध्यान रखना 7% भी है, ये परसेंट है, तो इसका मतलब परसेंट तो 2 0 को खाएगा, और ये 36, अब इसने स्पष्ट बोला सीसा है, तो इसमें से बचेगा वो सीसा, सीसा का किलोग्राम बताना था, आसान सा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्पीड से चलिएगा। एक कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया और ट्रेन किराया 20-30 रुपए, ये बस का किराया है, ये ट्रेन का किराया 20 रुपए, इसमें बड़ा ट्रेन किराए में 10% की वृद्धि होती है, इसका 10% आ जाएगा तो 22 आ जाएगा, और बस के किराए में भी 10, ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि, इसका तो 22 आ गया बस के किराए में, और ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि, तो ये 36 आ गया। तब इसने बोला नए ट्रेन किराया, नया ट्रेन किराया 36 है, और नया बस किराया, नया बस किराया 22 है, 2 से कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा 11 बार, 18 से 11, आंसर इज 18:11 इज अवर बेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग बचाए तो 1 वर्ष बाद कार खरीद लेगा, वो कितना बचा रहा है, मुद्दा इस बात का ही नहीं, चाहे वो 10% बचाए, कोई भी आदमी अपनी बचत से ही तो काम करता है। इसने बोला 1 वर्ष के बाद, मैंने ऐसा माना कि वह 1 महीने में 1 रुपया बचाता है, अगर वो हर महीने 1 रुपया बचाएगा तो 1 वर्ष बाद कार खरीदेगा, हर महीने 1 रुपया बचाएगा तो 12 महीने में, हर महीने 1 रुपया बचाएगा तो 12 महीने में कितने रुपए बचाए उसने, 12 रुपए, मतलब कोई खिलौना गाड़ी खरीदनी थी। अगर वो अपनी एज यूजुअल सेविंग से चलता तो हर महीने 1 रुपया बचाता आज भी, और हर महीने अगर 1 रुपया बचाएगा तो 9 महीने में, हर महीने अगर 1 रुपया बचाएगा तो 9 महीने में कितने रुपए, 9 रुपए, 9 महीने में कितने रुपए, 9 रुपए, हर महीने 1 रुपए बचाएगा तो 12 महीने में 12 रुपए, हर महीने 1 रुपए बचेगा तो 9 महीने में 9 रुपए। तो मैंने इस बात को देखा, अगर एज यूजुअल सेविंग से चलता तो 9 रुपए, तो लेकिन उसको 9 ही महीने में रुपए कर दे 12, तो मतलब से कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, 3 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, और 3 रुपए बढ़ाने किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में, 3/9 और इंटू में 100, 3/9 × 100 तो 3 से जाएगा 3 बार, और 100/3 और 100/3 तो मतलब आ जाएगा 33, सही 1/3%, आंसर आ जाएगा 33.13%। बोलो भैया। हाँ भाई, छोटी सी कार है, बच्चों की दुआओं से, घर वालों की दी हुई गाड़ी, अभी तो अब जैसे जैसे आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, बच्चे जाने के पैसे आएंगे उसके बाद खरीदेंगे कुछ, है ना, तभी तो मैं इतनी मेहनत से लगा रहता हूँ, आप समझिएगा, मैं सुबह छह बजे कह रहा हूँ, शाम को 6 बजे से आप लोगों के साथ रहता हूँ, अभी 8:00 बजे भी मेरी क्लास थी, अभी भी मेरी क्लास थी, 10 बजे भी मेरी क्लास रहेगी, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफलाइन में लगा रहता हूँ, है ना, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे 100% पढ़ाएंगे। क्या सुनील भैया, जो अभी मेरे क्वेश्चन चल रहे हैं, पहले इनको तो कर लो, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी प्रत्येक डिब्बे में सीट है, पहले इनको करके दिखाओ, चलो मैं ही करवाता हूँ, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी प्रत्येक डिब्बे में सीट है, यदि एक डिब्बे में 15 व्यक्ति हैं, जो उसकी क्षमता का 55 सही 5/9% 55 सही 5/9% होता है 5/9, 55 सही 5/9% होता है 5/9, अगर टोटल 9 है तो 9 में से 5, अगर टोटल 9 है तो 9 में से 5, तो लेकिन इसने बोला अगर टोटल 9 सीट है, एक डिब्बे में 9 सीट है, 9 में से 5, 5 का मान कितना है 15, 5 का मान 15 है, कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर,
इसका अगर तीन गुना है तो इसका भी तीन गुना, तो नौ गुना तीन और नौ गुना तीन टोटल कितना हो जाएगा 27, 27 नौ गुना तीन कितना हो जाएगा 27, मतलब एक डिब्बे में 27 सीट है। अगर एक डिब्बे में 27 सीट है तो इसने बोला है जितनी सीट है ना उतनी डिब्बे, तो अगर ट्रेन में मैं सीट लूं एक डिब्बे में 27 सीट तो 27 डिब्बे, 27 डिब्बे तो 27 गुना 27 मतलब टोटल कितना हो गया 729, 729 सीट होगी भैया टोटल, टोटल 729 सीटें होगी राइट। टोटल अगर 729 सीट हो गई तो अब ये कह रहा है अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो, यदि 22 से 2/9% हमेशा खाली रहते हैं, 22 से 2/9 का मतलब होगा 2/9, तो 729 का 2/9 मतलब इतना तो हमेशा खाली रखना है, 9 में से टोटल 2 को खाली रखना है, 9 में से 2 को खाली रखना है। अगर 9 में से 2 को खाली रखना है तो भरा कितना जाएगा 7/9, और अगर ये 7/9 आएगा तो 9 से काटेंगे 8 बार और 8 से जाएगा 1 बार और 81 गुना 7 और 81 गुना 7 तो कितना बन जाएगा 567 इज आवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच। आइएगा एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 लाइनें लिखता है, अगर 10 मिनट में 20 लाइन लिखेगा 10 मिनट में 20 लाइन तो 1 मिनट में कितनी लाइन 2 लाइन, और दोनों लाइनों का 8-8% खाली छोड़ता है। जैसे आप किसी भी पेज पर लिखना शुरू करते हैं कुछ आगे से खाली रहता है कुछ पीछे खाली रहता है, उसका 8-8% तो खाली छोड़ देता है। अगर 8% खाली छोड़ेगा तो इसका मतलब कितना परसेंट रहेगा 92%, तो वह हर मिनट में दोनों लाइनों का 92% लिखता है, दोनों लाइनों का कितना कितना 92%। अब ये कह रहा है कि 40 पंक्तियों वाले जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कितना समय, आप ध्यान रखो टाइम एंड वर्क में जब भी हमको समय निकालना होता है तो हमेशा ध्यान रखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, तो टोटल वर्क कितना है 40 पंक्तियों वाले 23 पेज, 40 × 23 और एक पेज पर कितने परसेंट जगह खाली छोड़ता है, इसने ये लाइन देखो, अब वह पहले से 25% अतिरिक्त जगह खाली छोड़ता है, तो पहले कितनी जगह खाली छोड़ता था 8, तो आज कितनी जगह छोड़ता है 8, तो छोड़ता है 8 से 25% ज्यादा, 25% होता है 1/4, तो 8 से 1/4 मतलब 2 ज्यादा, तो 2 ज्यादा हो गए, तो पहले 8 तो छोड़ता ही छोड़ता था, 2 और ज्यादा हो गए, टोटल कितने ज्यादा हो गए 10% खाली छोड़ेगा, तो 40 पेज 40 पंक्ति वाले और वो हर पंक्ति में कितना परसेंट लिखेगा 90%, ये तो आपका टोटल वर्क आ गया। वह पहले अब बच्चा गलती पता क्या करता है यहां पर, बच्चा गलती ये करता है कि पहले 8% जगह खाली छोड़ता था, आज उसने बोला 25 ज्यादा छोड़ेगा, बोलो अगर मैं यहां से देखूं कि करना क्या है, अगर 8 खाली छोड़ता तो 8 तो छोड़ेगा छोड़ेगा, 8 में 25% ज्यादा 8 का 25% 2, तो 10 खाली छोड़ेगा 40 × 30 × 90 डिवाइडेड बाय 2 का 92, 23 का 92, 4 दुनी 8, 8 से 5 बार 90 का 5 बार, 90 का 5 बार कितना हो जाएगा 450, सर 90 समझ नहीं आया, ये रहा ना मित्रा आपको देखो इस बात को, पहले 8% जगह खाली छोड़ता था, 100% थी 8% तो जगह खाली छोड़ दी, लेकिन उसने देखो लास्ट लाइन पढ़ो ना, अब वह पहले से 25% अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब ज्यादा, तो पहले वह 8 जो पहले 8 छोड़ता था आज 8 को छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और 8 से 25% ज्यादा, 8 से 25% ज्यादा, पहले में 2 ऐड किए, हां पहले का 25% निकालो ना, पहले 8 थी 8 का 25% निकलेगा तो 2 ही तो ऐड, 2 ही तो आएगा 8 का 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 निकलेगा तो मतलब 2 ही तो आएगा भैया, और 2 आएगा तो कितना हो जाएगा ये बना। आइए नेक्स्ट, गुलिया परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसतन कमाई, सारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसतन कमाई से 20% कम है, गुलिया परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसतन कमाई सारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसतन कमाई से 20% कम है, ठीक है, अगर 20% कम है, 20% मतलब 1/5, तो अगर पहले 5 रुपए कमाता था सारा परिवार का कोई सदस्य, तो गुलिया परिवार का सदस्य 4 रुपए कमा पाता है, सारा परिवार ये एस, इधर मैंने सारा परिवार लिख लिया, उधर मैंने गुलिया परिवार लिख लिया, गुलिया परिवार की कुल कमाई सारा परिवार की कमाई से 20% अधिक है, तो अगर सारा परिवार की कमाई 100 रुपए है तो गुलिया परिवार की कमाई है भैया मेरे 120, अब इसका कहना है 5 रुपए एक आदमी कमाता है तो टोटल 100 रुपए कमाने के लिए कितने आदमी चाहिए मेरे को, 5 रुपए एक आदमी कमाता है तो 100/5 मेरे को 20 आदमी चाहिए, मतलब नंबर पर्सन नंबर, एक आदमी 4 रुपए कमाता है 120 रुपए कमाने के लिए कितने आदमी चाहिए 120/4 तो कितना चाहिए 30, तो आपको बताना है कि गुड़िया परिवार के कुल सारा परिवार के कुल सदस्य है, गुड़िया परिवार के सदस्य का कितना परसेंट है, ये 20 और 30 समझ में आया ना सभी को, तो ये 20 मेंबर है, ये 30 है तो 20 डिवाइडेड बाय 30 और परसेंटेज के लिए इनटू में कर दो 100, तो 0 से 0 कर दो, 2/3 इनटू में 100 तो मतलब आ जाएगा 66.66% इज आवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच। ये लीजिए देखो, आप इतनी सी बात को समझो, इसने ये बोला है कि गुड़िया परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसतन कमाई ईच मेंबर की सारा परिवार के प्रत्येक सदस्य से 20% कम है, 20% मतलब 1/5 है, अगर ये 5 थी तो 5 से 1 कम 4 रहेगी, अगर ये 5 थी तो 5 से 1 कम 4 रहेगी, बोलो हां ना सर, समझ गए अब, समझ गए ना, और ये नंबर कैसे निकाला वही से 100/5 और 120/4 करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है पूरा समझ गए ना, ओके सर समझ गए आप, ठीक ठीक आओ अगला, देखिएगा
किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमी की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में हो जाए, काम बेशक से बढ़ जाए, काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा हो जाए और नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वालों से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4 होता है। तो आप ऐसा मानकर चलो कि पुराने वाले मजदूर, मैंने माना कि 100 मजदूर थे, मैंने ऐसा माना, और वो हर रोज के 4-4 खिलौने बनाता था एक मजदूर, कोई खिलौना बनाने की कंपनी है, तो 100 मजदूर लगाए और उनकी एफिशिएंसी, क्योंकि ये बोला ना कार्य क्षमता, इसलिए मेरे को पुराने वालों की माननी पड़ेगी क्योंकि 25% तो 1/4 होता है, तो मैं मान लेता हूं पुराने वालों की 4 थी, तो 100 मजदूर अगर 4-4 हर मजदूर 4 किलोमीटर बनाता है हर रोज, अगर हर रोज 4 किलोमीटर बनाएगा तो टोटल हो गया 400। बोलो यहां तक बात अगर आपको क्लियर है, टोटल हो गया है 400। अब इसका क्या कहना है? अब इसका ये कहना है कि अब जो नए काम में 50% बढ़ गया, मतलब आज 400 को खिलौने बनाने बनाने हैं लेकिन कोई त्यौहार आ गया, त्यौहार के कारण 50% काम और बढ़ गया, 50% मतलब 200, 400 का 50%, तो आदमी की संख्या में वृद्धि करनी है। आप इतना मानकर चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पर होली और दीपावली के ऊपर थोड़ा मिठाई बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाती है, तो कुछ ऐसी दुकानें होती है जो 10-10 दिन तक 8-8 घंटियां चलती हैं, 24-24 घंटे इतना सामान बनाते, इतना सामान बेचते हैं। तो इस बात को समझो भाई मेरे, कि पहले वहां 100 वर्कर काम कर रहे थे और एक वर्कर एक दिन में 4 किलो रसगुल्ला बना लेता था, कच्चा माल बनाना, उसको पकाना, फिर उसको मीठा करना, सब कुछ काम कर लेता था, 4 किलो रसगुल्ला रेडी कर देता था। अब देखो 100 मजदूर थे, 4-4 किलो रसगुल्ले बनाए तो एक दिन में 400 किलो रसगुल्ला बन गया। अब काम की संख्या 50% बढ़ी, दीपावली से पहले 50% बढ़नी है, होली से पहले 50% बढ़नी है, अगर 50% बढ़नी ही है तो हुआ क्या भैया, 400 से 50% बढ़ा दो, 200 किलो बढ़ा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि 200 अगर वर्कर इतनी रखो तो वो आज 400 बढ़ाएगी, अगले दिन फिर बढ़ा दे, लेकिन वो हर रोज ही 200 किलो ज्यादा बना रहा है, तो हेड कुक ने मालिक को बोला, जो एक हेड कुक हुआ, कि साहब हमें लग रहा है संख्या बढ़ा दो नहीं तो लॉस हो जाएगा, तो उसने बोला ठीक है, तो उसने बोला जो ये पुराने वाला 400 किलो है ना, हाँ ये तो पुराने वाले आदमी बना देंगे, वो भी तो काम करेंगे, बोला हाँ, लेकिन ये वाले जो 200 किलो है ना, बोला हाँ, बोला ये नए आदमी ले लेंगे, अगर आप पुराने वालों से ही वर्कलोड ज्यादा कर दोगे तो क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, वर्कर का क्या बिगड़ेगा, नाम तो आपका बिगड़ेगा, ब्रांड बिगड़ेगी, उसको समझ में आया कि भाई बात तो पता ही कर रहा है। तो इसका मतलब उसने बोला साहब जिस स्पीड से काम चला स्पीड वही रखो, बस वर्कर ज्यादा कर दो, काम ज्यादा वाला उसी क्वालिटी से हो जाएगा। तो पुराने वाले जो वर्कर थे वो 100 के 100 वर्करों ने 400 कमा लिया, मतलब 400 बढ़ा दिया। अब जो 200 के लिए नए वर्कर लगाने पड़े, तो मैंने माना नए वर्कर एक्स, अब एक्स वर्कर एक्स नंबर इनटू एफिशिएंसी, नंबर इनटू एफिशिएंसी, 4 से 1 ज्यादा और 4 से 1 ज्यादा तो 5, 4 से 1 ज्यादा तो 5 बराबर है 200, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, तो यानी 40 वर्कर नहीं थे, 40 वर्कर नहीं थे, तो यहां पुराने 100 वर्कर थे और यहां 40 वर्कर और आ गए, तो 100 पहले वर्कर थे 100, और आज देखो यहां पर इस डेट पर, जैसे मैं 8 तारीख है, आज तारीख होगी 9, तो 9 तारीख को ये काम तो सारा ही हुआ है ना, तो 9 तारीख को ये डेट वाली 9 तारीख को 100 आदमी ये रहे, 40 आदमी ये रहे, तो 9 तारीख को 140 आदमी, पहले आदमी थे 100, अब 9 तारीख को आदमी हो गए 140, तो मतलब आदमियों की संख्या कितने परसेंट बढ़ गई, आदमी की संख्या बढ़ गई है 40%, तो आंसर इज 40%। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आओ, ए बी सी डी ने एक पेन 66,000 रुपए में खरीदा, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, ए सी डी के हिस्से का 340% है, बी सी और डी का हिस्सा, ए के हिस्से का, ए के हिस्से का 340% है, ए अगर 100 है तो ये 340 रहा होगा, तो कहने का मतलब ये है ये 17 है तो ये 5 रहा होगा, लेकिन 22 नौकर 66 कितने गुना, 3 गुना, 66 लाख है ना, तो 22 का मान 66 3 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 3 गुना कर दो, तो इसका भी 3 गुना कर दो, तो 15 आ गया। बोलो यहां तक की बात क्लियर होगी, 22 का मान 66 है, 66 कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर बैठा है, तो 5 का मान भी 15 आ गया। बोलो बात क्लियर होगी। अब इसने बोला ए सी डी का हिस्सा, ए सी और डी का हिस्सा, बी के हिस्से का 175% है, अगर बी 100 है तो 175 है, 25 27 175, 25 4 100, 7 और 4 11, 11 का मान 66 है, कितने गुना पर बैठा है, 6 गुना पर बैठा है, तो 4 का भी 6 गुना और 4 का भी 6 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा 24, 4 का भी 6 गुना तो 24। अब अगला उसने क्या बोला, सी का हिस्सा ए बी डी के हिस्से का 20% है, ए बी डी अगर 100 है तो सी कितना होगा 20, 20 का मान 1 है तो ये 5 और 1 और 5 टोटल कितना है 6, 6 का मान कितना है 66, कितने गुना पर बैठा है 11 गुना, और इसका भी 11 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 11 गुना, तो आंसर है 11। तो अब मैंने देखा कि लास्ट लाइन, अब मेरा लास्ट काम, लास्ट काम ये कहता है कि भाई मेरे टोटल मेरा 66 लाख है, तो डी कितना आएगा, डी आएगा टोटल में से सबके माइनस कर दो, तो 66 माइनस ए का 15 माइनस बी का 24 माइनस सी का 11, 24 15 39 11 50 66 में से 50 गया तो बचा कितना 16, देन आंसर इज 16। तो आज 195 तक, अब मैं सभी बच्चों से एक बात और करना चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये कोर्स फिनिश हो जाएगा, तो मैं आपसे एक राय और सलाह मशवरा लेना चाहता हूं, मुझे लग रहा था कि 10 क्लास में अपन कवर कर लेंगे, लेकिन अपन थोड़ा स्लो चले, कोई बात नहीं, परसेंटेज की 11 भी तो है, कल भी तो है क्लास परसेंटेज की ही, बस 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 बस, बस कल तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब सलाह मशवरा की भी कोई समस्या ही नहीं है, कल कुछ रहेगा तो देखेंगे, कल 16 तारीख ना, हाँ 11 क्लास के अंदर मुझे लगता है हो ही जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अगले महीने ले लेंगे ज्योमेट्री, टेंशन ना लो भैया, सीएसएस से पहले ज्योमेट्री करवाएंगे, 100% करवाएंगे, पेपर कब, पेपर तक हो जाएगा, हो जाएगा पेपर तक, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देखो, ऐसे नहीं होगा, इतना बढ़िया बढ़िया पढ़ना है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी तो देखो, हाँ सिर्फ सिलेबस ही पूरा करना है तो आप पेपर तो दूर की बात, एक महीने में भी हो जाएगा है ना, आप इतने प्यारे और शानदार और समझदार बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे भाई, पुराने रिकॉर्डेड वीडियो देखो, मैंने रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा रखे हैं, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, आराम से देखो 100% बाहर नहीं जाएगा,
मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, ठीक है, मैंने भैया परसेंटेज आपका चल रहा है, मुझे लगता है कि मैंने सिंप्लीफिकेशन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया है, मैंने अलजेब्रा पढ़ा दिया है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी ना, मतलब पिछले आप जुलाई से, जुलाई मंथ से आप एक एक कोर्स देखना शुरू करो, बीच में एक महीना मैंने कुछ मेंस की क्लासेस ली थी, उसके अलावा जुलाई मंथ से शुरू करो, बीच में एक मंथ को छोड़ना है, हर मंथ दो टॉपिक है, आराम से पढ़ते 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 पढ़ते, हाँ स्टैटिक्स करवाएंगे, ज्योमेट्री भी नहीं हुआ, स्टैटिक्स भी नहीं हुआ, ज्योमेट्री बहुत पहले करवाया था मैंने, लेकिन ज्योमेट्री और स्टैटिक्स को करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिएगा जी, स्टार्ट करते हैं, आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है और आज छोटे छोटे कुछ शानदार शानदार से क्वेश्चंस हैं, तो आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है, कहां तक के क्वेश्चंस हो गए थे बताइएगा, यहां से आगे हमको बढ़ना है, तो चलिएगा बिना समय व्यर्थ किए आज इस चीज को पूरा करना है, तो इसलिए हम लोग बिना बातचीत में गिरे हम लोग यहां तक कर लेंगे, तो 195 नंबर क्वेश्चन तक पीडीएफ पूरा डलवा देंगे, कल डलवा देंगे पीडीएफ, ठीक है, 196 नंबर क्वेश्चन की, हाँ ये फोर साइज की पीडीएफ दे देंगे भाई, व्हाइट बैकग्राउंड की पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, अगले टॉपिक से मैं ऐसा करूंगा ना फिर, मैं सारा व्हाइट बैकग्राउंड ही पढ़वा दूंगा फिर, ना देखो, एबीसीडी 56 लाख रुपए में पेन को खरीदा, बी सी और डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है, बी सी और डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है, ए अगर 100 है तो बीसीडी कितना रहा होगा 460, मतलब 40 और 10 टोटल कितना 56, क्वेश्चन ने कितना कह रखा है 56, 56 का मान 56 है तो 10 का मान 10, यही रहा होगा पहली लाइन, अगर मैं सेकंड लाइन पर आता हूं बी ए सी डी का हिस्सा, तो ए सी और डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% रहा होगा, अगर ये 100% रहा है तो आपको मैं इस बात को सिखा चुका हूं कि 366.66%, या अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 366 सही 2/3%, तो दोनों एक ही बात है, ये दोनों सेम बात है, बोलो ये बात समझ में आई हुई है क्या, तो आप बोलेंगे जी सर, तो कहने का मतलब ये हुआ इसको 366 सही 2/3%, अब आपको इसको ब्रेक करना भी मैंने सिखा रखा है, 66 से 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूं 2/3, और ये तीन एज इट इज, बोलो ये भी सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा है, ये चीज सिखाई थी क्या, ये कह रहा है बिल्कुल ठीक है, तो अगर मैं देखो यहां अगर नॉर्मल चीज आती है नॉर्मल फ्रैक्शन नॉर्मल परसेंटेज, तो मैं काटा पीटी मचा लेता हूं, लेकिन अगर ये चीज नॉर्मल नहीं होती तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, फ्रैक्शन क्या कहता है 100% 100/100 ये तो एक हो जाएगा, और ये कितना 3 3 9 और 2 11/3, और ये 11/3 है तो नीचे वाला 3 इधर आ जाएगा, तो 11 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 14, लेकिन इसने बोला 14 का मान कितना है 56, 14 का मान कितना है 56, 56 है तो कितने गुना पर बैठा है 4 गुना पर बैठा है, तो इसका 4 गुना है तो 3 का भी 4 गुना, और 3 का भी 4 गुना टोटल कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 आ गया,
अब अगर मैं आगे बढ़ूं कि ए बी डी का हिस्सा, ए बी और डी का हिस्सा सी के हिस्से का 40% है, मतलब सी का हिस्सा ए बी डी अगर 100 है तो ये 40 रहा होगा, तो 20 से जाएगा 5 बार और 20 से जाएगा 2 बार, 5 और 2 7 है, 7 का मान 56 है, 7 का मान 56 है तो कितने गुना पर बैठा है, 8 गुना पर, तो भैया मेरे इसका भी 8 गुना 16 हो जाएगा, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, इसका भी 8 गुना 16 हो जाएगा, बोलो भैया। तो टोटल मेरा कितना था, 56 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं, 56 में से माइनस कर रहा हूं 10 को, 56 में से माइनस कर रहा हूं 12 को, और 56 में से माइनस कर रहा हूं 16 को, तो ए बी और सी ये तीनों के तीनों माइनस हो जाएंगे, तो बी तो बचेगा, तो 16 10 26 12 38, 38 को 56 में से 38 अगर जाएगा तो भाई मेरे टोटल कितना बचेगा, 18 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 भी तो आएगा, तो आंसर इज 18। एक गुना तीन कैसे आया, आपने इसको सोल्व किया, आप इस बात को देखो, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 11/3 आता है, और इसको सोल्व करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर, तो ये एक आता है, तो दोनों पर तीन की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी मैंने तीन की मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी मैंने तीन की मल्टीप्लाई कर दी, तीन से तीन कट गया, तो 11 बचा और ये 3 बचा, ताकि फ्रैक्शन वैल्यू खत्म हो जाएगी, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो आपके लिए कहानी आसान हो जाएगी। आओ, इसने बोला है कि एक व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने कुल स्टॉक का आधा स्टॉक बेच देता है तथा शेष स्टॉक का 10% भाग खराब हो जाता है, तो आएगा दुकान में और आधा बेच देगा, जितने भी प्रोडक्ट है उनका आधा बेच देगा और दुकान में रख के चला जाएगा। अब उसके पास बड़ा फ्रिज नहीं है, गर्मी का टाइम आ रहा है, सुबह आया तो उसने देखा कुछ फ्रूट खराब हो गए, कुछ फ्रूट खराब हो गए, तो उसका 10% भाग खराब था, उसने फेंक दिया उनको, क्योंकि खराब फ्रूट दूसरे को भी खराब करेगा, 10% को फेंक दिया। अब जो बचा उसको अपनी दुकान पर सेट किया और उसमें फिर आधे भाग को फिर लगाया, आधे भाग को फिर बेच डाला, फिर दुकान में रख के चला गया, अब फ्रिज था नहीं, वो 10% हिस्सा फिर खराब हो गया, फिर से फिर आधा और अगेन 10%। तो मेरे को एक ऐसा नंबर मानना है जो 3 बार तो 2 से भाग हो, और 10% होता है 1/10, और 3 बार 10 से भाग हो तो पॉइंट ना बने या पूरा पूरा कटे, मेरे को ऐसा नंबर मानना है, 3 बार 2 से भाग हो, 3 बार 10 से भाग हो, तो 3 बार 10 के लिए तो 3 जीरो लगाएंगे, और 3 बार 2 के लिए 2 × 4 × 8, तो मैंने ऐसा माना कि जो फ्रूट है ये 8000 फ्रूट मैंने मान लिए टोटल शुरुआत में, संख्या मानने का गेम है, जब मुझे परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है या प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो संख्या अपनी कंडीशन उसकी, तो आधा आधा और आधा 3 बार और 10% 1/10 1/10 1/10, तो ये 10, तो इसका मतलब 8000 आ गया। अब 8000 में से आधे फ्रूट खराब हो गए, आधे खराब मतलब आधे बेच दिए, सॉरी, तो 4000 तो बेच दिए, और अगर 4000 बेच दिए तो बचे कितने, 4000, और जो 4000 बचे वो दुकान में रख के चला गया, और दुकान में रखे गया तो 4000 का 10% मतलब 400 खराब हो गए। अगले दिन सुबह आया, सुबह आते ही वो रख के तो 4000 गया था, अगले दिन सुबह आते ही क्या हुआ, पहले तो 400 हटाए तो बचे कितने, 3600, जो ये 3600 बचे इसके ऊपर कहानी फिर स्टार्ट की, 3600 में से सारा दिन मेहनत की 1800 बेच गया, तो रात को रख के जा रहा था तभी उसको दिखाई दे रहा था कि भैया 1800 तो रखने ही पड़ेंगे। अब 1800 रख के गया, अगले दिन आया तो सुबह सुबह आके देखा 10% फिर खराब मिले, तो 1800 का 10% भैया मेरे 180, बोलो फाया ना। तो अब उसने देखा कि जी गुरु, अगली बारी 100, अब सुबह आते 180 फिर हटाने पड़ेंगे, और 180 फिर हटाने पड़ेंगे, तो 180 हटा दिए तो भाई मेरे बचे 1620। तीसरे दिन 1620 की से फिर अपनी रेडी पर सजा लिए 1620 पर, फिर बेचना शुरू किया, ये 810 हो गए, तो इसका मतलब ये भी कितने हो गए, 810। अब यहां 810 रखे जाएगा, और 810 रखे जाएगा तो इसका 10% सही, तो 81 फलियां खराब होगी, तो 3 रातों में, पहली रात में खराब, दूसरी रात में खराब, तीसरी रात में खराब, 3 रातों के अंदर 400, 580, 600, 661 फल खराब हो गए, 3 रातों के अंदर 661 फल खराब हो गए। लेकिन उसका कहना है 3 रातों में 661 नहीं हुए, 1983 फल खराब हुए, 661 का मान 1983 है, कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर, एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया तो इसका भी 3 गुना, तो 8000 का भी 3 गुना, और 8000 का भी 3 गुना, तो भैया मेरे टोटल कितना आ जाएगा, 24000 इज आवर करेक्ट आंसर, 24000 इज आवर करेक्ट आंसर। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसी हिसाब से हम लोगों ने चीजों को स्टेप बाय स्टेप, शॉर्ट बताओ, यही शॉर्ट है भाई इसका। अब एंड में आके क्वेश्चन नंबर 200 तक पहुंच गए हैं, एंड में आके कुछ क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज के रखे हुए हैं, तो इनके शॉर्ट ही हैं, ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है, शॉर्ट वाले नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये टाइप वाइज वाले नहीं है, नहीं 8000 की जगह कुछ और लोगे तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, मैंने 8000 कैसे लिया भाई, यहां भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, 3 बार तो 2 से भाग देना, और भाई 3 बार 10 से भाग देना, 3 बार 2 से भाग देना, 3 बार 10 से भाग देना, तो मतलब बिल्कुल क्लियर है, समझ गए ना, इसलिए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10000 भी ले सकते हैं, बस कैलकुलेशन देखो 10000 लेके मैं कराता हूं, लेने को कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा मनाई किसी चीज की नहीं है, 10000 ले लिए, 10000 का आधे बेच दिए 5000, आधे रख के चला गया 5000, 5000 का 10% खराब हो गए 500, अब बचे 9500, अब 9500 का आप देखेंगे आधे बेचेंगे तो अब समस्या आने लग जाएगी, 4750 अब रखे जाएंगे यहाँ पर, 4750, अब 4750 का फिर 10% करेंगे 475 आ गया, अब इसमें से 475 रखना, अब आप माइनस करना, समझ गए ना बात को, तो अब वो कहानी गड़बड़ होती जाएगी, जो भी है मतलब 4500 बचेगा, 4500 का जो भी यहाँ पर निकालना है 2250 निकाल दो, जो भी मतलब मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से 225 आ जाएगा, अब 225 इसमें फिर माइनस करो, मतलब आप समझ गए हैं कहानी को, तो ये वाला तरीका मेरे को लगता है कि जो चीज है। अब अगर मैं बात करता हूं अगला नंबर, ध्यान से सुनना बात को, लैंग्वेज है आज अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन,
एक आदमी ने कुल संपत्ति से एक व्यवसाय शुरू किया, जैसे अगर मैं मानता हूं 100 रुपए से व्यवसाय शुरू किया, अगर उसने 50% लाभ, तो इसका मतलब है कि 150। अब ये कह रहा है 50% लाभ कमाया, अब कुल पूंजी मतलब क्या, आरंभिक पूंजी और लाभ, आरंभिक पूंजी होती 50 का लाभ होगा, कब 50% दान दे दिया, इस टोटल का 50% दान दे दो, तो बचा कितना, 75 ही तो बच गया। यहां तक की बात सही है, यहां तक भी बात सही है। अब अगले साल 75 रुपए से कहानी शुरू करेगा, और 75 रुपए से कहानी शुरू करेगा तो 75 का 50%, और 75 का अगर 50% जाएगा तो 37.5 अगर जाएगा तो 112.50, इस 112.50 में से आधे कर देगा 56.25, तो आधे इधर आ जाएंगे 56.25। अब अगले साल क्या करेगा, 56.25 का बिजनेस शुरू करेगा, फिर 50%, तो यही प्रक्रिया आगे चलाएगा। तो इसने बोला तीसरे वर्ष अंत में 15,000 बचे, तीसरे वर्ष अंत में 15,000 बचे, तो अगर तीसरे वर्ष अंत में 15,000 बचे, तो आपने ऐसी संख्या स्टार्टिंग में मानी कि पॉइंटों में आंसर आ गया। अब आपको ऐसी संख्या माननी कि पॉइंट ना बने, ऐसे तो कैसे दिमाग लगाएंगे। तो मैंने एक बात को देखा यहां से, अगर आप समझें, जितने दान कर रहा है, ध्यान से सुनना बात को, जितना दान कर रहा है उतने से ही अगले साल का बिजनेस शुरू कर रहा है। जैसे यहां 75 रुपए दान किए तो 75 से ही शुरू की, यहां 56.25 रुपए दान किया तो 56.25 से ही वहां शुरू किया। बोला जी सर, तो मेरा ये कहना है भाई मेरे, आप रिवर्स चलो, आप रिवर्स चलो। रिवर्स कैसे, मेरा कहना कि तीसरे साल के अंत में 15,000 बचे हैं, तो मतलब स्पष्ट था कि 15,000 रुपए उसने दान किए होंगे। आप बोले बिल्कुल, जितना दान करता उतना ही बचा लेता है, तो मतलब तीसरे साल के अंत में उसके पास 30,000 रुपए थे, 30,000 रुपए थे तीसरे साल के अंत में। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल, अगर तीसरे साल के अंत में इतने रुपए थे तो ये तो 50% का लाभ कमाने के बाद आए हैं इतने रुपए, तो 50% का लाभ कमाने के बाद आए हैं इतने रुपए, तो आप बोलेंगे जी सर। तो कहने का मतलब, अगर पहले 2 रुपए उसने स्टार्टिंग में लगाए थे तीसरे साल के शुरुआत में, तो अंत में 3 हो गए। अगर शुरू में 2 लगाए थे तो 3 हो गए, 3 का मान 30,000, 3 का मान 30,000 है तो 2 का मान कितना बनेगा, 3 का मान अगर 30,000 है तो 2 का मान कितना बनेगा, 20,000, 3 का मान 30,000 तो 2 का मान कितना बनेगा, 20,000। बोलो यहां तक, 3 का मान 30,000 तो 2 का मान 20,000 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां 20,000 से बिजनेस शुरू किया, 20,000 से बिजनेस शुरू किया, तो जितने से बिजनेस शुरू करता है क्या उतने ही रुपए दान में देता है, क्या उतने ही रुपए दान में देता है कि नहीं देता है, बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे जी सर, तो इसका मतलब वो दान में कितने रुपए दिए होंगे, 20,000, तो आंसर आ जाएगा 20,000 इज आवर करेक्ट अप्रोच। बोलो अगर किसी एक भी बच्चे को दिक्कत हो तो हाथ उठाना, आज की क्लास आपका दिमाग भी खोलेगी, आज की क्लास थोड़ा और कॉन्फिडेंस देगी आपको, आज टाइप वाइज वाली चीजें नहीं है, टाइप वाइज समझ आ गया। एक बार 30,000 या 20,000 बता दो, मुझे समझ नहीं आया, पिछले से अच्छा लॉजिक है, आप इतनी सी बात को समझो, मेरी बात को समझो। मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं, अगर मैंने आज बिजनेस में 100 रुपए लगाए तो एक साल के बाद मेरे पास 150 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर, अब 150 का 50% मैं रिपीट मतलब मैं दे देता हूं किसी को, दान कर दिया, तो यहां कितना बच गया, 75 बच गया। मतलब मैंने इस बात को देखा कि जितना रुपया मैंने दान किया उतने रुपए से बिजनेस शुरू करूंगा। अब अगले साल का जो बिजनेस है, अगले साल का जो बिजनेस है वो 75 रुपए से शुरू होगा, बोलो हाँ या ना। और 75 का 50% प्रॉफिट मतलब इसका 50% मतलब 2 से 3, अगर 2 रुपए लगाओगा तो आपको 3 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो कह रहे 2 नहीं लगाए, आपने लगाए कितने, आपने तो 75 लगाए, तो 37.5 पर बैठा, तो इसका 37.5 कितना बन जाएगा, 30 के 90 7 21 21, तो इसका मतलब 112.5 बन गया। अब 112.5 जो आपका बना है, 112.5 में से आपने आधे दान कर दिए, 56.25, बोलो ये पॉइंट आपको समझ आएगा सभी को, नजर आना, बोलो भाई ये रेशियो 2-3 क्यों लिया, ये भी तो 2-3 है, 50% प्रॉफिट है ना, हर जगह पर 50% प्रॉफिट है कि खरीद मेरी 2 की, तो 2 की खरीद में 1 का प्रॉफिट, 2 की खरीद में 1 का प्रॉफिट, तो मतलब कितने का, 3 का, खरीद मेरी 2 की है तो ये 3 का, 2 का मान 100 तो 3 का मान 150, समझ गए मेरी बात, यहां बस मैंने जानबूझ के लिखा नहीं उस बात को। अब ये कांसेप्ट आपका हो गया क्लियर, अब मेरा ये कहना है, इसको हटाओ अब, तो यहां से आ जाएगा 15,000, तो ये भी 15,000, ये 30,000, तो 3 का मान 30,000, तो 2 का मान 20,000, बिजनेस अगर 20,000 से शुरू किया था तो इसका मतलब यहां 20,000 ही दान दिए होंगे, बोलो भैया, नजर में कैसा, पहले वाला मेथड नहीं, ये क्वेश्चन का अपना तरीका है, ये इसकी गिवन स्टेटमेंट अलग है, इस क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट अलग है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, इसलिए दोनों के मेथड अलग अलग। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, आज मैं आपको करने के लिए नहीं दे रहा, मैं ही बता रहा हूं, बस आपको तो सुनना है ध्यान से। किसी परीक्षा में फर्स्ट ईयर का पूछा तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, निकाल तो लेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब पॉइंट की संख्या आएगी, फर्स्ट ईयर में भी राम खिलाड़ी, जैसे यहाँ 20,000 रहते हैं, 40,000 आएगा, और आपको यहाँ 40,000 रखे, 40,000 तीन की वैल्यू है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालोगे, तो 80,000 बटा 3, अब जितना 80,000 3 है तो ये भी 80,000 3 इतना भाग दे देंगे, और अब यहाँ से जो टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा बस ऐसे, तो ये अब उसने जानबूझकर यहाँ पर पूछेंगे, कोई पता था कि जब पूछेगा तो पॉइंट की वैल्यू तक नहीं लेकर जाएगा चीज। अब आपको सुनना, किसी परीक्षा में 5% पूछे गए, 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया और 5% ने किसी का भी जवाब नहीं दिया, शेष के रिमेनिंग के 25% ने और 20% ने, मैं 100 स्टूडेंट मान लेता हूं, मैं 100 मानने ही चला था कि मेरे को इस नजर लग गई, कुल विद्यार्थियों के 24% ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, 100 मानूंगा तो 24 स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं,
आप बोलेंगे सर बात में तो दम है भैया, 24 स्टूडेंट या तो 24 ही होंगे या तो 25 होंगे, तो कुल मिलाकर क्या करो आप बस थोड़ा संख्या बड़ी मान लो। तो आपने अपनी तरफ से क्या किया, आपने अपनी तरफ से 24.5 को अगर आप सोल्व करेंगे ना, इसको फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 24.5 का फ्रैक्शन वैल्यू आता है 49/200। तो आपने टोटल स्टूडेंट जो माने ना वो 200 मान लिया, आपने टोटल स्टूडेंट जो माने कितना मान लिया 200। अब आपका क्या कहना है, 200 स्टूडेंट आपने टोटल मान लिए, 5% पूछे गए नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, तो इसने बोला और ये स्टूडेंट है, 5% ने सभी का जवाब दिया, तो टोटल आपने यही माना 200 का 5% निकाल दो, सभी प्रश्न 5% का जवाब दिया, 200 के 5% ने 200 का 5% 10 स्टूडेंट। बोलो ये लाइन तक क्लियर हुआ क्या, सिर्फ मैंने पहली लाइन को सोल्व किया, 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया, बस यहां तक सोल्व किया है, बोलो जी ठीक है। अगली बार 5% ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो 0% का जवाब दिया 5% ने, तो 200 का 5% 10 स्टूडेंट ही हो गए, यहां तक भी क्लियर। अब इसकी अगली लाइन में हमें यहां उसने क्या बोला, शेष के रिमेनिंग के शेष के 25% ने, तो 20 स्टूडेंट तो ये निकल गए, ये कैलकुलेशन तो 200 पे हो रही थी, अब कैलकुलेशन कितने पर होगी वापस 180 पर, क्योंकि 200 में से 20 तो निकल गए ना, 200 में से 20 तो निकल गए, कैलकुलेशन कितने पर होगी 180 पर, बोलो हाँ ना। अब 180 के 25% ने 1% का जवाब दिया, 25% मतलब 1/4 तो 45, तथा 20% ने, तो 180 का 20% निकालो 36, 4% का जवाब दिया। और अब यहां तक भी कहानी सही थी कि पहले हमने 200 पे कैलकुलेशन की, पहले 2 पर और फिर 180 पर, अब यहां से फिर क्वेश्चन घूम गया, कुल विद्यार्थियों के 24.5 ने 2% का जवाब दिया है, टोटल विद्यार्थियों के 24.5% ने, टोटल विद्यार्थियों के 24.5% ने, तो टोटल का अब देखो यहां लिखा है, अगर ये टोटल नहीं लिखता, अगर ये नहीं लिखता तो इसकी कैलकुलेशन होती 180 पर, लेकिन अगर उसने लिख दिया कुल विद्यार्थियों का, तो अब ये कैलकुलेशन वापस किसके ऊपर हो जाएगी, बोलो वापस 200 पर होगी, बस यही पॉइंट समझना था। तो मैंने देखा कि 2 प्रश्नों का जवाब देने वालों की संख्या 249 है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है सर, तो 0, 1, 2, 4, 5, तो इसका मतलब क्वेश्चन बच गए 3 क्वेश्चन बच गए, और 3 क्वेश्चन का जवाब देने वालों की संख्या अब 200 में से इनको घटा दो, तो 36 ये 50 हो गया, 85 बस 90 40 130, 150 आ गया, इन सबका जोड़ा गया है 150, तो 200 में से 150 गया तो बचा कितना 50, तो 3 है, 3 की वैल्यू 50 आ गई, 3 की वैल्यू 50 आ गई, मतलब 3% का जवाब देने वालों की संख्या है 50, तो भाई मेरे 50 नहीं एक्चुअली में क्वेश्चन में कितने दे रखे 550, 0 से 0 कट के कितने गुना पर बैठा 11 गुना पर बैठा, और इसका 11 गुना है, तो 4% का जवाब देने वालों की संख्या, इसका भी 11 गुना, 11 6 66 बचेगा 6 या 33 6 39, बोलो बात क्लियर भैया, क्लियर वेरी गुड। चलो जी देखो क्वेश्चन डेंजर है, 10 कैसे सुनील भैया पहली लाइन नहीं पढ़ी आपने दोस्त, 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया, टोटल स्टूडेंट है 200, तो भाई मेरे 200 का 5% परसेंट हमेशा भूखा होता है, भूखा 2 जीरो को खाएगा, 5 × 2 = 10, ऐसे ही 10, ऐसे यहां पर 180 का कैलकुलेशन, 180 का कैलकुलेशन, अगेन यहां 200 का कैलकुलेशन, समय खपत करने वाले कोई बात नहीं, दिमाग खोलने के भी तो क्वेश्चन है, अभी मैंने क्या बोला दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब छोटे क्वेश्चन भी है, टेंशन ना लो आप इतनी, ए की आय में 25% की वृद्धि, ए का 25% की वृद्धि में 20% की कमी के बाद वही परिवर्तन होता है जो बी की आय की 20% में वृद्धि की 25% की कमी में होता है, ए के 25% में 20%, बी के 20% में 25%, वही सेम है, 2 0 से 2 0, 25 से 5 बार और 25 से 3 बार, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 10a = 9b, तो a by b, अब a का मान कितना है 9, तो b का मान है 8, तो इसने बोला b ratio a बताना है, तो 10 ratio 9, ये चीज आप जानते हैं, साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, b का मान कितना होता है 10, a का मान कितना है 9। नेक्स्ट, समान मूल्य के प्रीपेड कार्ड पर, पहले चलता था आज भी चलता है प्रीपेड कार्ड और पोस्टपेड कार्ड, पोस्टपेड तो ये हो गया कि हम बाद में बिल का पे करें, प्रीपेड हो गया कि हम पहले बिल का पेमेंट करें, समान मूल्य के प्रीपेड कार्ड पर कंपनी ए कंपनी बी से 19% कम प्रोफाइल देती है, ये कंपनी ए है ये कंपनी बी है, प्रीपेड के कार्ड पर कंपनी ए बी से 19% कम, अगर कंपनी ए बी से 19% कम, मैंने माना कि बी देती है 100 रुपए का, जैसे कोई एयरटेल कंपनी है 100 रुपए, 100 रुपए का वाउचर तो 100 रुपए देगी, 100 का 19%, तो इसका मतलब 81 रुपए देगी कंपनी ए, यहां तक बात क्लियर। अब उसी मूल्य के मतलब 100 रुपए के पोस्टपेड कार्ड पर कंपनी ए और बी प्रीपेड के टॉक टाइम से, इस टॉक टाइम से 11.11 का मतलब कितना होता है 1/9, इसमें से 1/9 कम कर दो, अगर इसमें 1/9 कम कर दूंगा तो 1/9 से जाएगा 9, तो 9 कम कर दूंगा तो 72 हो जाएगा, और 10% कम तो 100 में से 10 रुपए गया तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो प्रीपेड पर ए और बी द्वारा कितना परसेंट कम टोटल दिया गया, ये बात रही 90 है, तो ए द्वारा बी से कितना कम दिया गया, कितना कम दिया गया, बी देगी 90 रुपए, ए देगा 72 रुपए, कंपनी बी 90 रुपए देगी, ये बात तो 18 रुपए कम मिल गया, 18 रुपए कम मिल गया, टोटल कितने के ऊपर 90 पर, 18 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 20, एक परीक्षा में 900 लड़कियां बैठी हैं और 1100 लड़के बैठे हैं, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के, 40% लड़कियां पास हुई तो इसका मतलब फेल हो गए 60%, 50% लड़के पास हुए तो फेल हो गए 50%,
तो इसका जनरल तरीका तो आपको आता ही है, मैं जो अपने वाला तरीका है जीरो मानने वाला, जीरो मान लो तो मतलब 50 तो होगा ही होगा, 50 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही बाहर। अब ये कितना ज्यादा है 10, तो 10 गुना 90 डिवाइडेड बाई 20 तो 4.5, 50 में अगर 4.5 जाएगा तो कितना बन जाएगा 54.5। एक साप्ताहिक टेस्ट में 80 प्रश्नों में 70% के सही उत्तर देती है। अगर 80 है, 80 के 70% के सही उत्तर है, परसेंट हमेशा भूखा होता है, भूखा ये 2 जीरो को खाएगा। यदि उसने प्रथम 60 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए, 60 प्रश्नों में से 60% के सही उत्तर दे दिए, मतलब 36 के सही उत्तर दे दिए, तो मतलब 36 के तो सही उत्तर हो चुके, टोटल मेरे को देने थे 56 के, तो कितने बच गए 20 के, 20 के सही उत्तर देने हैं, और 80 में से 60 क्या तो टिक कर ही चुकी, अब क्वेश्चन भी 20 बचे और सही भी 20 करने हैं, मतलब 20 गेंद पर 20 रन चाहिए, 20 गुना 20 बटा 20 गुना में कर दो तो कितना परसेंट आ जाएगा 100%। इसका मैं दूसरा तरीका आपको सिखाता हूं जो बेस्ट अप्रोच बनती है। 80 प्रश्न है, एक तरफ 60 क्वेश्चन, जब भी कोई दो चीज मिलती है तो हमेशा एलिगेशन लगाया करो, जब भी कोई दो चीज मिलती है तो हमेशा एलिगेशन लगाया करो, ठीक है। एक ही मिनट का वेट करिएगा आप, एक ही मिनट का, हाँ बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, आप पौने 9 बजे कॉल करना या इंक्वायरी नंबर पर कॉल करो। देखो जी, एलिगेशन एलिगेशन में तो बताएंगे, अब यहाँ कैसे बताएंगे, एलिगेशन तो पूरा समझाएंगे, एलिगेशन के अंदर 60% है, 60 क्वेश्चन तो दूसरी तरफ 20 क्वेश्चन, तो रेशियो मेरा 1:3, सभी प्रश्नों के, अगर यहाँ कह रहा है कि 70% की और 60% की, 60 प्रश्नों में से 70% के सही उत्तर कर दिए, और नहीं 60 प्रश्नों में से 60% के सही उत्तर कर दिए, और ओवरऑल मेरे 70% सही हुए हैं, ओवरऑल वाली वैल्यू बीच में रखा दो, जो ये फाइनल वैल्यू होती है ना, फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होती है, 70 में से 60 गया तो बचा कितना 10, एक का मान अगर 10 है, एक का मान 10 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30, और 3 का मान अगर 30 हो जाएगा तो 70 में 30 जोड़ दो, और 70 में 30 जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 100% इज अवर करेक्ट आंसर। अब ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, इसने बोला कि 80 प्रश्न है टोटल, तो पहले प्रथम 40 और दूसरे 40, तो पहले वाले 40 और दूसरे वाले 40, तो 40-40 है तो ये 1, ये भी 1, तो पहले 40 के 65% और ओवरऑल है 75%, 75 से 65 जाएगा तो 10 हो जाएगा, एक का मान अगर 10 है तो इस एक का मान भी 10 रहा होगा, और इस एक का मान अगर 10 रह गया तो 75 में 10 जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा 85। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है मुझे, चलो मैं ही बता देता हूँ, आज अपने पास वक्त की कमी है क्योंकि हमको कंप्लीट टॉपिक करना है आज, अच्छे हो जाएगा आप भी करो, हो जाएगा, ऐसी बात है नहीं, चलो अपन रिस्क नहीं लेते भैया। किसी परीक्षा में 73% किसमें पास हुए, 73% 70% सामान्य ज्ञान में पास हुए, इस हिसाब से तो पास होने वालों की संख्या 144 हो गई, लेकिन वो कह रहा है 64% ही हुए, तो एक्चुअल वैल्यू तो 64 है, एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा है, एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा है, नो ये है भैया पास होने वाले, 79% है जो पास होने वाले हैं, एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा है ये है 79% पास होने वाले हैं, अगर 100% में से 79% अगर पास होने वाले हैं, 79 अगर पास हो गए तो इसका मतलब फेल कितने हो गए, फेल 21 हो गई, और 21 का मान दे रखा है 6300, तो इसका भी 300 गुना, तो भैया मेरे आंसर कितना बन जाएगा ये वाला। अब डरना मत, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये 2018 का, हाँ सीजीएल, लेकिन हाँ सीजीएल का ही क्वेश्चन है, लेकिन प्री के एग्जाम का ये भी बता देता हूँ, मुश्किल नहीं है, तुम पहले पढ़ो, मैंने पढ़ने के लिए टाइम दिया है, पहले आराम से पढ़ो क्वेश्चन, मैं आ रहा हूँ एक मिनट में, आप पढ़िएगा क्वेश्चन। कुछ बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, देखिएगा अब ध्यान से सुनिएगा बात को, जो वो कह रहा है, किसी मील में मूंगफली की वजन के 20% के बराबर तेल निकाल लिया जाता है, तेल निकलने के बाद जो पदार्थ बचता है उसे पशुओं के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, तो मूंगफली
20 किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई और लागत कीमत 5 रुपए। लागत कीमत मतलब प्रोसेसिंग कीमत कि जो तेल बनाने की कीमत है, तेल को किस मूल्य पर बेचा जाएगी, फुल कीमत पर 20% का लाभ मिले। तो चलो देखो, अब मुझे क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझना है कि स्टेप 20% 1/5। अगर मैं ये बोलूं, मैंने मान लिया टोटल 5 किलो मूंगफली ली, खरीदी मैंने, और 1 किलो मूंगफली का प्राइस है 20 रुपया, तो मतलब ये हो गया कि 100 रुपए की तो मूंगफली आ गई। मैं 5 किलो मूंगफली को लेकर पहुंचा उस फैक्ट्री वाले के पास कि भाई मेरे को तेल निकलवाना है। तो उसने बोला भाई हर किलो का 5 रुपया मैं लूंगा, मैं मेरी मशीन में डालूंगा, जैसे आपने आटा चक्की देखी है ना, जो ऊपर गेहूं डलता है, ऐसे ही वो डलेंगी। अब मैं हर किलो का 5 रुपया लूंगा, तो 5 किलो मैंने 5 ही क्यों माना, क्योंकि 5 था 20% होता है 1/5, 20% तेल निकल जाएगा, सीधा सीधा एक तेल निकल जाएगा, इसलिए मतलब मेरा इसलिए कहना था, इसलिए मैंने 5 माना हुआ है। तो मैंने 5 किलो का 5-5 रुपया वो लगेगा, 25 हो गया। तो 100 और 25 इस हिसाब से मेरी लागत कीमत आ जाएगी 125 रुपए, मेरा टीसीपी आ जाएगा 125 रुपए। अब वो कह रहा है 20% के लाभ पर बेचना है मुझे, तो 20% के लाभ पर बेचना, तो 125 का 6/5, 5 से कटेगा 25 बार 25 का 150, 150 रुपया, 150 रुपया आ गया। अब इसका ये कहना है कि 150 रुपए में मुझे बेचना है। स्पष्ट उस चक्की वाले ने बताया, टेंशन क्यों लेते हैं, अब 5 किलो में से तेल तो 1 ही किलो निकलेगा, 5 किलो मूंगफली में से तेल तो 1 ही किलो निकलेगा, तो ये बाकी 4 किलो तो मेरा वेस्ट ही गया। उसने बोला भाई मेरे बेवकूफ नहीं होते, स्मार्ट जमाना है, वेस्टेज कुछ नहीं है, इसको ना चारा वाले ले लेंगे, जो भैंसों के चारा बनाते हैं, चाट बनाते हैं, खल बनाते हैं, बिनोले बनाते हैं, समझ गए आप गांव से बिलोंग करते हैं, खल बिनोले चाट। तो उसने बोला अच्छा, तो ये किस भाव से बिकेगा, बोला देखो आपको तो ओवरऑल 5 किलो से ही तो 150 रुपया कमाना है, बोला हाँ, तो इसको तो बेच दो आप 12.5 के भाव से, मैं बिकवा दूंगा यहीं के 12.5 के भाव से, तो 12.5 × 4 तो 50 रुपए का तो ये बिक गया भैया, 12.5 × 4 50 रुपए का तो ये बिक गया। अब तेल बच गया सिर्फ अपने पास और पैसा चाहिए अपने को 150, अगर 50 रुपए मेरे यहाँ से आएंगे तो यहाँ से कितने रुपए आ गए हैं 100 रुपए, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 रुपीज पर केजी आपका तेल बिकेगा। दिस इज अवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच। मुश्किल नहीं था, लेकिन सीजीएल जो देता है जैसा क्वेश्चन, वहां बस दिमाग लगाना था, थोड़ा दिमाग लगाने लायक तो देगा भाई, 80,000 रुपए की सैलरी सीजीएल वाले देने लग रहे हैं, एक जिन बच्चों को 4 साल जॉब करते हुआ है, 1,12,000 रुपए सैलरी लेने लग रहे हैं, तो कैसे देगा भाई, समझ रहे हैं 5 × 5 क्यों आया, इस लाइन के लिए आया भैया। लागत कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, लागत कीमत मतलब प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोसेसिंग मतलब चक्की वाला जो लेगा, चक्की वाला भी तो लेगा ना। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसने बोला है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और वह 2400 रुपए प्राप्त करता है, प्रति घंटे का वेतन 57 सही 1/7% बढ़ गया, 57 सही 1/7% होता है 4/7, तो कहने का मतलब ये रहा कि अगर 7 तो 7 से 4 बढ़कर 11 हो जाएगा, और काम करने का समय 12.5 कम हो गया, कि पहले अगर वो 8 घंटे काम करता था तो 8 में से 1 कम, अब वो 7 घंटे ही काम करेगा, 8 में से 1 कम, अब वो 7 घंटे ही काम करेगा। तो मैंने इस बात को देखा कि इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, आज उसको 8 रुपए मिलता है तो बाद में उसको 11 रुपए मिलेगा, अगर आज उसको 8 रुपए मिलता है तो बाद में उसको 11 रुपए मिलेगा, तो 8 से 11 होना तो कितने रुपया ज्यादा है, 3 रुपया ज्यादा है टोटल कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, और 3/8 तो 3/8 दिखती है आपको, प्रतिशत समझ में आ गया, और इनटू में कर दिया आपने 100 और 3/8 इनटू में 100, तो आंसर ही 37.5% इज अवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच। बोलो समझ आया, मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, पहले वो 7 रुपए वेतन था, 2400 दिया है, हेलो गुप्ता सब लोग इसकी मिलकर पिटाई करो, सब लोग इसकी मिलकर पिटाई करो, कि हेलो गुप्ता पिटाई कैसे करेंगे, आज के बाद जब भी मैं ये बोलूंगा कि सभी लोग मिलकर इसकी पिटाई करो, तो बस ये लिखना है हेलो गुप्ता पढ़ता नहीं है, बस उसको 4 बार उसके सामने आएगी, उसको रात में सपने में भी आएगा, कंडीशन बिल्कुल सुनील समझ गया, हेलो गुप्ता को भैया ये लिखना है कि ये पढ़ता नहीं है, और सबके सब इसके पापा को फोन मैसेज कर देना कि आवारागर्दी करता रहता है सारा दिन, अंकल हम देखते हैं इसको, है ना। उसके बाद इसको सारी बातें याद आ जाएंगी कि अगर प्रतिशत में आंसर चाहिए है, हाँ प्रिंस बता रहा है कि सर वैलेंटाइन मनाता है, साक्षी पूछ रहे कि सर सीएचएसएल का भी लेवल यही है क्या, सीएचएसएल और सीजीएल सेम लेवल बेटा, सीएचएसएल और सीजीएल सेम लेवल है, डिमोटिवेट नहीं क्या जाता है सर, अरे मजाक कर रहे हैं, इतना सीरियस ना हो, आपको ही पता है, नहीं मजाक कर रहे हैं, बच्चे हैं, उसको याद आगे ना बात, मजाक कर रहे हैं, बच्चों के साथ मजाक भी जरूरी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना है आपको। एक मकड़ी एक घंटे में एक खंबे के 62% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वैसे ही ऊंचाई का 12.5 और बढ़ जाती है, तो अगर पोल की ऊंचाई 192 मीटर है, तब खुद सोचो 192 का पहले घंटे चढ़ी 62 मतलब होता है 5/8, तो इसका 5/8, 8 से कटेगा 24 बार 24 पंजा 120 तो चढ़ गई, तो 8 में से 5 चढ़ गई तो बची कितनी 3, तो मतलब 72 बच गई 72। अब वो कह रहे वह शेष ऊंचाई का, मैंने रेवेन्यू निकाला, शेष ऊंचाई का 12.5 और बढ़ गई, इस 72 का 1/8 और बढ़ेगी, और 72 का अगर 1/8 बढ़ेगी तो 8 से कटेगा, तो इसका मतलब कितना बढ़ेगी 9 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 मीटर, इज अवर करेक्ट एंड बेस्ट अप्रोच 9 मीटर। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, जो रिक्वायरमेंट कंडीशन है सीधा सीधा लिखते हो, कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन को बीच में मत करो, 192 मीटर, 192 में से 8 में से 5 तो चली गई, तो रेवेन्यू कितनी बची 3, मतलब जो शेष ऊंचाई का इतनी बची, उसका 12.5 मतलब 1/8 है, तो 8/64 से काटूंगा 3 बार, और 3 × 3 और 3 × 3 तो कितना मीटर है, सीधा सीधा आंसर है मेरा 9 मीटर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में करेंगे अपन इन दोनों क्वेश्चन को, पहले भी यहां आ जाओ 211 नंबर।
एक कस्बे में तीन कॉलोनी एबीसी की जनसंख्या का अनुपात 9:8:3 ए में 80% लोग शिक्षित हैं, बी में 40% लोग अशिक्षित हैं और सी में 100%, किसमें कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, शिक्षित निकालना शिक्षित। तो मैं अगर अपनी तरफ से परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मैं ऐसा भी मान सकता हूं 90-80 और 30, 90 का 80% शिक्षित है, अगर इसका 80% शिक्षित है तो 72 हो जाएगा और 40% अशिक्षित है, 40% इलिटरेट है, तो इसका मतलब 60% पढ़े लिखे हैं, 60% 48 हो जाएगा और 100% लोग शिक्षित है, अगर 100% शिक्षित तो 30 ये शिक्षित है, तो 8 देते ही 80 होगा, 40 120 150 हो गया, तो 150 हो गया है और 150 हो गया है टोटल कितने में से, 80 30 110 200 में से, 150 बटा 200 तो मतलब स्पष्ट हो जाएगा 75% इज अवर करेक्ट आंसर, 150 बटा 200 तो 75% इज अवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, और इसके लिए आपको एक शानदार जानदार गजब तरीका भी सिखा रखा है। अभी मैं उस तरीके पे बात अगर करूं, ये 9 है, ये 8 है, ये 3 है, यहां कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं, 80 60 100 तो पढ़े लिखों का प्रतिशत निकालना है, दो दो सबसे छोटी वैल्यू उसको 0 मान लो, 60 प्लस इसको 0 माना तो कितना मान लिया 20, कितना मान लिया 40, तो 20 निमा 180, 40 दिया 120 और 20 से भाग कर दो, 180 और 120 टोटल 300 हो जाएगा, 300 बटा 20 15 और 60 में 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 75। आ जाओ जी, हरिंद्रा क्लासेस जयपुर में 500 विद्यार्थी हैं, 60% लड़के हैं, 500 विद्यार्थी हैं, 500 में से 60% बॉयज हैं, 300 तो 40% गर्ल्स हैं, 200, 70% लड़के हॉकी खेलते हैं, 70% लड़के हॉकी खेलते हैं, 210 लड़के हॉकी खेलते हैं, कोई भी लड़की हॉकी नहीं खेलती, मतलब हॉकी के ग्राउंड पर सिर्फ बॉयज जाएंगे, 65% लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, 65% लड़कियां बैडमिंटन मतलब 130, स्कूल में केवल दो ही खेल हैं, कोई बच्चा गेम नहीं है, कोई ताश पत्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं, या तो है बैडमिंटन या तो हॉकी, और अब ये बताइए जो विद्यार्थी स्कूल में केवल दो ही खेल हैं, अब ये कह रहा है कि स्कूल में केवल दो ही खेल, तो याद कीजिए जो विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते, तो मेरे को ये पता चल गया अगर ये बैडमिंटन खेलती है तो मतलब ये तो मैं क्लियर हो गया कि 70 लड़कियां तो कुछ नहीं खेलती, ये तो कुछ नहीं खेलती, लेकिन जो बॉयज है ना, जो बॉयज का जो 90 बचे हुए हैं, इस 90 के बारे में तो कुछ क्लियर ही नहीं है, इस 90 के बारे में तो कुछ क्लियर ही नहीं है कि खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, करते क्या है ये, समझ आई मेरी बात, ये खेल भी रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, लड़कियों को ताक रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं पता ही नहीं इनका, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अब वो बताए जो विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते, नहीं खेलते तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, नहीं खेलते तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो आंसर आ जाएगा हम नहीं ज्ञात कर सकते, इस 90 के बारे में इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, और इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो ये आएगा, ऑनलाइन वाला जोड़ दो, हाँ जब पुराने टाइम का बनाया हुआ क्वेश्चन है, अब इसमें ऑनलाइन जोड़ देंगे, कुछ लोग पबजी खेलते हैं है ना, कुछ लोग 50 चीजें चल रही है ना, हाँ खेला हो गए, आओ अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ ड्रीम इलेवन खेलते हैं, सब अपनी आदत बता रहे हैं, चलिएगा बताइएगा, सभी बच्चे आंसर देंगे आराम आराम से, देखो स्टूडेंट हैं और टीचर हैं, 35 स्टूडेंट हैं और 6 टीचर हैं, अब टॉफी की संख्या प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी, प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20%, छात्रों की संख्या 35 का 20% 1/5 मतलब 7 टॉफियां मिलेंगी, और प्रत्येक अध्यापक को कुल संख्या का 40%, तो इन संख्या को छात्रों की संख्या का 40% इसका 40%, तो इसका मतलब 14 टॉफियां, तो अब देखो क्या हुआ, 35 बच्चों को 7 टॉफियां देंगे, 7 × 35 बचेगा 3, 21 और 3, 24, और 14 बच्चों को 6 टीचर को 14 टॉफियां देंगे 84 और 200, तो ये तो टॉफी है, ये नंबर है, टोटल है 329, वेरी गुड भाई, हेलो गुप्ता, वेरी वेरी नाइस, फिर इनका 14 निकाल पाई, इसने लिखा था ना कि प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40%, तो छात्रों की संख्या का 40%, तो इसका 40% याद देना था, इसका 20% याद देना था, 12 कैसे, 12 कहाँ आया है, अंशिता क्या पूछना चाहते हैं, बोलो भाई, ठीक है आइएगा, सेम क्वेश्चन है करके देखो इस बार, ऑप्शन मुझे याद है नहीं, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे करेंगे, अभी से पहले अलग, ओ तीनों के तीनों आंसर, कमाल कर दिया, Thank you.
प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 1/11 तो 5 और यहां पर छात्रों की कुल संख्या का 2/5 तो 22 50 50 275 22 का 88 तो टोटली 363 इज आवर करेक्ट आंसर। आओ ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है पी वाई क्यू। इसने बोला ध्यान से समझना मैं ही समझा रहा हूं। एक परिवार 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं की खपत करने में 350 रुपए चावल का मूल्य है राइस और वीट। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है तो 25 किलो चावल लिया और 9 किलो गेहूं लिया। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, गेहूं का मूल्य ले लिया मैंने 5 रुपए और 5 का 20% करूंगा तो 1 5 का 20% करूंगा तो 1 तो मुझे कहानी समझ में आई कि 25 रुपए तो इसके ये लगे और 45 रुपए इसके यहां लगे, इस हिसाब से उसके लगे 70 रुपए। जब मुझे प्रतिशत में आंसर जो कह रहा लगे मेरे 350 है हटा दो इस लाइन को। अब वो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दो तो नई कंडीशन यहां बना लाया ये राइस की और ये वीट की। अब गेहूं का मूल्य 6 रुपए मतलब 5 से 20% बढ़ा दो, इसलिए लिखा ना गेहूं का मूल्य 20%। एक और पांच समझ नहीं आया, प्राइस है ना प्राइस रुपए, किसने लिखा तो है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, तो इसका 20% समझ आ गया। तो अब मैंने ये बोला कि भाई 20% 1/5 होता है तो मैंने मान लिया कि गेहूं का मूल्य अगर 5 रहा होगा तो 5 का 20% है, इसने थोड़ी बोला 20% कम है या ज्यादा है, उसने बोला उसका 20% है मतलब इसका अगर 100 है तो इसका 20 रुपए है तो 1 से 5 डायरेक्ट ही तो है तो 70 रुपए। अब ये कह रहा है यहां पर 9 किलो गेहूं था और 9 × 54 रुपए का तो गेहूं खरीद लिया, जेब में 70 रुपए है 54 का तो गेहूं खरीद लाए, 54 का गेहूं खरीद लाए तो अब ये कह रहा है कि चावल की खपत में कमी प्रतिशत ज्ञात करो कि नया खर्च पूर्व खर्च के समान, नया खर्चा भी 70 रुपए और चावल का मूल्य उतना ही है, चावल का मूल्य है 1 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। तो मैंने इस बात को देखा कि 54 रुपए तो लग चुके हैं गेहूं पर और 54 रुपए गेहूं पर लग चुके तो यहां रुपए कितने बच गए 16, यहां रुपए बच गए 16 तो 16/1 तो आज आ गया 16, आज आ गया है 16। क्लियर है यहां तक, आज आ गया है 16 और अगर आज ये 16 आ गया तो 25 से 16 तो कितने की कमी आ गई, पहले चावल था 25 किलो आज चावल है 16 किलो, पहले 25 किलो आज 16 किलो कितना किलो 9 किलो, 9 की कमी आ गई है किसके रिस्पेक्ट में 25 के रिस्पेक्ट में 9/25 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, 25 कितनी बार काटेगा 4 बार और 9 × 4 कितना परसेंट आ जाएगा 36%। मेंटोस तरीका नहीं है, कुछ क्वेश्चंस के मेंटोस तरीके नहीं होते, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इनको लास्ट क्लास में लेके आया हूं। अब देखो मेंटोस तरीके टाइप वाइज चीजों में चलते हैं, कुछ लैंग्वेज बेस्ड कुछ कांसेप्चुअल जो लैंग्वेज जो कांसेप्ट टाइप वाइज चलते हैं उसमें मेंटोस जिंदगी चलती है, ये तो लैंग्वेज बेस्ड नहीं, इसमें मेंटोस जिंदगी क्या कर सकती है, इसमें तो मेंटोस करने लगेंगे लाइफ चली जाएगी है ना। आओ एक फ्लैट एक और जमीन दो मित्रों ए और भाई, मेरे बुक के चक्कर में मत पड़ो सारी किताबें सही है पहली बात, दूसरी बात जो मैं आपको करवा रहा हूं हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर कर दो बस, कांसेप्ट के लिए दी बेस्ट है जो मैंने आपको समझा दिया। एक फ्लैट और एक जमीन को दो मित्रों द्वारा 2 लाख और 2.5 लाख में खरीदा गया, तो मैंने बोला कि ए ने खरीदा और बी ने खरीदा 2 लाख 2.5 लाख। अब इसने बोला फ्लैट का मूल्य हर वर्ष 20% बढ़ा और जमीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ा दो वर्ष बाद तो 2 साल तक, तो आपको देखो 2 साल तक 20% बढ़ेगा तो क्या आपको ये चीज समझा कि मैं डायरेक्ट 40% ले देता हूं कि 40% बढ़ेगा इसका, कि पहले साल भी 20% बढ़ा और दूसरे साल भी 20% बढ़ा तो सक्सेसिव लग जाएगा, क्योंकि पहले साल जो कीमत बढ़ी अगले साल फिर उतनी बढ़ेगी तो सक्सेसिव लग जाएगा तो सीधा 40% आएगा तो जो फ्लैट आज 2 लाख का है वही फ्लैट 2,88,000 का हो गया। और अब इसने क्या बोला कि यहां 10% की बढ़त है, 10% की पहले साल 10% की दूसरे साल 10% की बढ़त है तो ओवरऑल 21% को अगर मैं बात करता हूं तो 21 × 105 बचेगा 10×42 = 10 52,500 आएगा तो 3,02,500 रुपए ये हो गए। अब इसकी प्रॉपर्टी इतने रुपए की है, इसकी प्रॉपर्टी इतने रुपए की। अब इसने बोला दोनों ने आपस में अदला बदली कर लिया तो अदला बदली करने में इस याद अपनी प्रॉपर्टी को बेचता तो 2,88 मिलते, लेकिन इसने 2,88 वाली इसके नाम कर दी और इसको 2,88 की बजाय इसके नाम होगी 3,02,500 की, पॉकेट में प्रॉफिट हो गया, अदला बदली करने से प्रॉफिट हो गया। एक्चुअली में इसके पास तो 2,88,000 ही आने थे, लेकिन अब आएंगे कितने इसके 3,02,500 तो मतलब ये रहा 12 और 2 14,500 तो 14,500 का बेनिफिट हो गया, 14,500 का बेनिफिट हो गया कितने के ऊपर 2,88,000 के ऊपर और प्रतिशत कर दो गुणा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई 1 जीरो से 1 जीरो गई 2 से कटेगा 144, 2 से कटेगा 725, 144 अगर मैं 6 बार करता हूं तो नहीं जाएगा तो 5 सही 5/144% 5/144% इज आवर करेक्ट आंसर। बस अगला बदली करनी थी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, इन क्वेश्चन को क्लास में पढ़ के छोड़ मत देना, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, ये आपके सामने है वीडियो आपके पास है सॉल्यूशन आपके पास है, सॉल्यूशन को अपने फोन के अंदर सेव कर लिया करो, समझ आई मेरी बात। आ जाओ भैया अगला नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 1/10 भाग, बॉयज का 1/10 पार्ट, लड़कियों के 1/4 के बराबर है, गर्ल्स के 1/4 के बराबर है, तो यहां से मैंने देख लिया बॉयज बाई गर्ल्स 10 ऊपर कर दो 4 नीचे कर दो तो 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 2 बार तो 5:2 हो गया और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, लड़कियों की संख्या का गर्ल्स का 5/8 पार्ट
लड़कों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो बोझ भाई गर्ल्स 5/2, इधर से भी 5/2 आ गया, इधर से भी 5/2, दोनों जगह सेम आ गया, दोनों जगह सेम आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 5:2। अब बच्चे को डाउट आएगा कि अगर सर दोनों जगह सेम नहीं आता तो हम लिखते वी कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर। अगर दोनों जगह सेम नहीं आएगा, याद करो मैंने बहुत पहले करवाया था ये क्वेश्चन, मैं याद दिलाऊं कैसे क्वेश्चन पे करवाया था, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला था m is equal to 2PQR+3UV, p के अंदर इंक्रीमेंट 20% का है, q के अंदर याद आया कि अगर इसका परसेंट और इसका परसेंट सेम होगा तो ही वो वैल्यू निकलेगी, अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। उसी क्वेश्चन को मैं रेशियो के फॉर्मेट में ले आया, याद आया। आओ अगला, इसने बोला कि एक संख्या को 87% बढ़ाया, 87% 87 1/2 होता है भाई मेरे 7/8, और दूसरी संख्या को 83.33% बन जाती है, तो पहली संख्या का 87.5 बढ़ाया, 8 से 7 बढ़ा दिया, 15/8 किसके बराबर हो गया, दूसरी संख्या वाई के 83.33 मतलब 5/6 के बराबर, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो एक्स बाई वाई 5 से कटेगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 4/9, तो एक्स बाई वाई का रेशियो कितना आ जाएगा 4:4। ये क्वेश्चन अभी करवाया था, वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट, इसने बोला कि किसी संख्या को 87.5% बढ़ाया, 87.5 मतलब 7/8, अगर वो नंबर 8 था तो 8 से 7 बढ़ा दो, 8 से 7 बढ़ा दो, तो x का एक नंबर x माना, x का 15/8 कर दो, तो ये कितने के बराबर हो गया, दूसरी संख्या y, y का 83.33 का मतलब 5/6 है, y का 5/6 होगा, कटापटी मचाई, तो x 4 और y 9, उस प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ाओ, 40% बढ़ाना 40% मतलब 2/5, 5 से 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 7, और काम करने के समय को 16 से 2/3, 16 से 2/3 1/6, 6 से 1 कम 5, तो 5 से 5 घटा दो तो 6 से 7 हो जाएगा, तो 6 पहले 6 रुपए मिलते थे, 7 रुपए मिलते थे, 1 रुपया ज्यादा मिलता है, लेकिन उसने बोला कि पहले 6 रुपए नहीं मिलते थे, पहले 2400 मिलते थे, कितने गुना पर बैठा, 400 गुना, तो 1 का भी 400 गुना, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का 80%, एक संख्या मान ली मैंने x, x का 80%, दूसरे भाग के y, y के 60% से 3 अधिक है, पहले वाला अधिक है तो दोनों का अंतर 3 हो जाएगा, अब दूसरा केस उसने क्या किया कि और दूसरे भाग का 80% y का 80%, पहले भाग के 90 से 6 अधिक, ये दूसरे वाला अधिक है तो ज्यादा है वो प्लस कर दो, पहले भाग के 90 से 6। अब अगर मैं यहां से देखूं, जब भी आपके सामने दो इक्वेशन होती है तो किसी इक्वेशन को बराबर बना लो, अब बराबर बनाने के लिए मैंने ऊपर वाले को गुणा कर दिया 4 से और मैंने नीचे वाले को गुणा कर दिया 3 से, तो ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दिया, नीचे वाले को 3 से, तो 240 ये तो कट गया, क्योंकि 60 चुका 240 अच्छी दिया 240, ये 320 है, दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया दोनों को, क्योंकि निशान अलग अलग है, निशान अलग अलग होते हैं तो ऐड करते हैं, ये 320 है, 270 है, 320 में से 270 गया तो 320 में से, तो x का 50% इज इक्वल टू 4 × 12 = 18 = 30, x का 50% अगर 30 के बराबर है तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 60, x का वैल्यू 60 आ जाएगा, और x का वैल्यू अगर 60 आ गया तो अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जब x और y 10वीं क्लास के पहले टॉपिक में आप सॉल्व करते थे तो किसी एक जगह आने के बाद आप किसी में ही रख दो, तो मैंने चलो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं पहली इक्वेशन के अंदर, x है 60 का 80%, परसेंट हमेशा भूखा है, भूखा वो दो जीरो को खा जाएगा, ये जीरो ये जीरो, माइनस y का 60 इज इक्वल टू 3 है, तो ये 48 आएगा, 48 में से 3 इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा y, 60% है, 60% मतलब 3/5, तो 3 से कटेगा 15 बार, 15 × 75, तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा 75, y कितना बन गया 75, y 75 बन गया, और y अगर 75 बन गया, y 75 बन गया तो कोई भी नंबर x प्लस y, और नंबर अगर x प्लस y है तो 60 + 75, और 60 + 75 तो भैया मेरे टोटल जो मेरा आएगा वो आ गया है 135, इज आवर करेक्ट आंसर, जोड़ दिया ना, जोड़ दिया तो देखो 4 × 3 किया 12, 3 × 6 किया 18, 12 और 18 जोड़ा तो 30 आएगा, और इन दोनों को 4 से गुणा करो ये 320, 3 से गुणा करो 270, 320 में से 270 जाएगा, 320 में से 270 जाएगा तो 85 तो बचेगा, तो x का 50% बराबर है 30, x इक्वल टू 60, बोलो बात समझ में मित्र ना, दोबारा बताइए नीचे से, ये तो समझ आ गया ना भाई प्रिंस, अगर x का मान 60 आ गया क्या, बस फिर इसमें तो वैल्यू पुट ही तो किया अभी, तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, और ये है जी परसेंटेज वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आप सभी का परसेंटेज कंप्लीट, अब आप परसेंटेज के कितने ही क्वेश्चन करो, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो भाई जिम्मेदार मैं रहा, आप मेरे पास लेकर आओ, मैं वैसे ही मेथड से करूंगा 100% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, अगर आप लोगों के पास है तो बढ़िया बात है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं, क्योंकि हम लोगों के पास तो होता है, मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर परसेंटेज का मतलब मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना है, तो मैंने 2021 के 2020 के सारे क्वेश्चन टाइप रखे विद सॉल्यूशन, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, अगर आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रिंजल का कहना है सर दे दीजिएगा ग्रुप, नहीं ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाते, अगर ग्रुप बनाएंगे तो ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत ये आती है कि मैं सिर्फ ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, तो मैं ग्रुप बना लूँ, ऑफलाइन के अंदर वो इतने सारे बच्चे ऐड हो जाते हैं, तो हम मैं वैसे ही प्रोवाइड करवा देता हूं आपको, सर कहां दोगे अभी सॉल्यूशन दे दीजिएगा सर, आप किरण के क्वेश्चन सॉल्व करा दो भाई, किसी बुक के कर दो ना, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा,
किसी बुक पे क्वेश्चन कर लो आप, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा भैया। चलो पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति 10,000 के कुछ भाग को 5% पर, शेष भाग को 6% पर, 5% की निवेश किया गया, 6% निवेश की धन से। अब देखो x रुपए निवेश कर दिए, कितने परसेंट पर? 5% पर। तो वैल्यू बच गई 10,000 माइनस x, 10,000 माइनस x का कितना परसेंट? 6%। यहां 5% की दर से जो निवेश हुआ और ये जो बचा हुई राशि 6% की दर से निवेश हुई, इनका डिफरेंस कितना है? 76.50 रुपए। पॉइंट हटा कर नीचे कर दो 100, तो ये 100, ये 100, ये 100, तो ये 5x आ गया। माइनस का 60,000, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6x इज इक्वल टू 7,650, तो 11x आ जाएगा। तो 11x इज इक्वल टू 67,650। तो x का मान कितना आएगा? 11×66, 11×11=55, 0, x का मान 6,150 आ जाएगा। x अगर 6,150 आ गया, तो x की दर, x पर, x मतलब 5% की दर पर निवेश किया गया था, तो 10,000 में से 6,150 घटा देंगे, 10,000 माइनस 6,150, सेटिस्फाई कंसेप्ट नहीं लगेगा, सेटिस्फाई कंसेप्ट नहीं लगेगा, 100% नहीं लगेगा। तो इसी के साथ परसेंटेज कंप्लीट। अब आप बच्चों को चाहिए है परसेंटेज का प्रीवियस, ठीक है? आप ऐसा करो, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप ऐसा करिए टेलीग्राम